I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. क्या हुआ, आप अभी तक यहीं पर हैं? प्रमोशन नहीं हुआ सर? अगर आप चाहेंगे तो हो जाएगा सर। हाँ हाँ, जरूर चाहेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मंच पे उपस्थित हमारे गृह मंत्री राजशेखर जी को और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए हैं ये आप सब जानते हैं। हमारे बीच उपस्थित आदित्य शास्त्री जी को अभिनंदन करने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हुआ है, इसलिए गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वो आए और स्वागत करें। आइए आइए। मैं अनुरोध करता हूं कि आदित्य शास्त्री जी यहां आए और दो शब्द कहें। मंच पर और सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा साष्टांग नमस्कार। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कोई भगवान नहीं और ना ही देवतुल्य हूं, अवतार पुरुष तो बिल्कुल नहीं। मैं भी आप लोगों के जैसा एक सामान्य मनुष्य। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर लड़के या लड़की की कुंडली को देखकर ये बताना कि उनकी शादी होने के बाद वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जी पाएंगे या नहीं, ये मैं कुंडली देखकर ज्योतिष के आधार पर ही बताता हूँ। पाश्चात्य पद्धति के हिसाब से मैरिजेज आर मेड इन हेवन ऐसा कहते हैं, वैसा ही ज्योतिष शास्त्र के आधार पर कि आपके होने वाले सारे रिश्ते आप कैसे निभाओगे ये आपके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर ही पता चलता है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र आज के नहीं है, रामायण और महाभारत में भी इनका उल्लेख है। ये उस काल से चली आ रही एक प्रचलित विद्या है। रामचंद्र जी की कुंडली स्वयं शिव ने लिखी थी, स्वयं परमात्मा ने लिखी थी, ऐसा रामायण में अंकित है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के रचयिता पराशर मुनि, भृगु मुनि और नारद मुनि कहे जाते हैं। उन्होंने इस शास्त्र को बहुत बृहद रूप देकर हमारे सामने रखा, उसके आधार पर वंश की कुंडली का पूरा पता चलता है। इस ज्योतिष शास्त्र का हमारे विज्ञान शास्त्र से बहुत गहरा संबंध है। विज्ञान जिसे जीन्स बताता है वो बातें हमारे ज्योतिष शास्त्र में पहले से ही अंकित है। हम सभी अपने पूर्वजों का प्रतिबिंब है। मैं जब भी ज्योतिष शास्त्र के बारे में शास्त्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, फेमस है, बहुत फेमस है सर। सही बताते हैं, एकदम शास्त्र ग्रहों के आधार पर काम करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मेरे ज्योतिष शास्त्र की वजह से मैं समाज की सहायता कर पा रहा हूँ और मुझे इसी बात की खुशी है। मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ कि इस शास्त्र से मैं लोगों की सहायता कर। ये शास्त्री जी है ना, उनसे मिलना है मुझे। ओके, मुझे एक मीटिंग अरेंज करता हूँ। ठीक है सर। आपको इस शास्त्र के बारे में बता के मुझे खुद भी गर्व महसूस होता है। सर्वशक्तिमान भगवान आप सभी को सुख और शांति दे। धन्यवाद। क्या हुआ? आगे वाली गाड़ी से किसी को धक्का लगा। ओह। ए, अकल नहीं है क्या तेरे पास? इसे उठाकर साइड फेंको। क्या सर, इसमें मेरी क्या गलती है? एक तो मुझे ही नीचे गिराया और ऊपर से मुझे रुबाब दिखा रहे हो, ये कैसा न्याय है सर? ए, न्याय भाई की बात मत कर, चल निकल यहाँ से। कहाँ जाऊँ और क्यों जाऊँ मैं? मेरा जो नुकसान हुआ है उसे भर के दे दो। ए, क्या नुकसान हुआ है तेरा? वहाँ देखो।
तो ये नुकसान हुआ है तेरा, इसकी भरपाई चाहिए। ए, चल जा। लेकिन मैं क्यों जाऊं सर, मैं वो सब कुछ नहीं जानता, मुझे मेरी बोतल चाहिए बस। कैसी बातें कर रहा है ये, पुलिस वाले से ही पैसा मांग रहा है, कोई पागल लगता है। नाटक मत कर, गाड़ी में होम मिनिस्टर है। कोई भी हो उससे मुझे क्या सर। कौन है वो इस तरह से बात कर रहा है? कोई बेवड़ा है सर, उसकी बोतल टूट गई है जिसके लिए पैसे मांग रहा है। आपको जो करना है करो, मैं नहीं जानता, मुझे मेरा हरजाना चाहिए, वरना मैं इस गाड़ी को आगे जाने नहीं दूंगा। अरे देखिए माताजी, बहन जी देखिए, ये कैसा इंसाफ है आप ही बताइए, इनके लिए एक कानून हमारे लिए एक कानून, ऐसा होता है क्या? अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उन्हें पता लगा कि मैं अंदर हूँ तो सारी रामायण शुरू हो जाएगी। जल्दी जाकर उसे पैसे दे और क्लियर करो। ए इंस्पेक्टर सर, पब्लिक को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मंत्री जी मुझे डांट रहे हैं, जल्दी मैटर सॉल्व करो और हमें जाने दो। ओके ओके सर, तेरा टाइम अच्छा है, सबसे हम वसूली करते हैं, तू हमसे वसूली कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, पकड़। तुझे तो देख लूंगा। हाँ इत्मीनान से देख लेना। नमस्कार साहब। नमस्ते। आप मेरे घर तक आए, ये मेरे लिए सम्मान की बात है, कहीं मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आपकी ये सब साधना और बाकी सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है, गर्व होता है। मेरे यहाँ आने का मुख्य कारण है, मेरी एक बेटी है, शादी की उम्र हो गई है, उसकी शादी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी ये लीजिए, ये रहा, ये उसकी कुंडली है। देखिए इस कुंडली के आधार पर आपकी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही होगी, वो जिसे पसंद करेगी उसके साथ ही शादी करेगी। ये क्या कह रहे हैं शास्त्री जी, वो मेरी बेटी है, जिससे चाहेगी उससे कैसे शादी कर लेगी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, कह रहे हैं अपनी मर्जी से शादी करेगी। मैं जो बताता हूँ वो सच हो ऐसा जरूरी नहीं, आपका मानना या ना मानना ये आपकी मर्जी। शास्त्री जी आपको अपने शास्त्र पर भरोसा है और मुझे अपनी बेटी पर, मेरी बेटी की शादी मेरी मर्जी से ही होगी, आपको भी शादी में बुलाऊंगा, आप आकर उसे आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ। आ गया तू? ये बगड़। क्या ये? बोतल है। ये क्या यार, दूध पीने की उम्र में अल्कोहल पी रहे हो? अरे तो उसमें क्या हुआ, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या पाप किया है जो इस जन्म में तुम जैसे दोस्त मिल गए। कैसी बात कर रहा है यार तू। ना तो और क्या, अपने पास सिर्फ दो रूम है, एक तो भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों हो के दिन रात बस पीने की बात और कोई बात करते ही नहीं हो यार। टेंशन क्यों लेता है, तो भी 90 पे के सो जा, सब ठीक हो जाएगा। अबे तू पागल है क्या, तेरे भले की बात कर रहा हूँ, घूर क्यों रहा है ऐसे। मुझे कल सुबह एक इंटरव्यू के लिए जाना है, तुम लोग भी अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करके सो जाओ। ए भाई तू तो अलग अलग ब्रांड लाया है। हाँ बाबा दोनों मिक्स करके पिएगा तो जल्दी टाइट हो जाएगा और नींद आ जाएगी, इसलिए लाया हूँ। भाई सच्चा दोस्त है तू, हम लोग इसके बिना मर रहे थे, जान बचा ली तूने हमारी, थैंक्स यार। ए तू थैंक्स बोल के थैंक्स वर्ड का अपमान मत कर। थैंक्स बोला तो इसमें अपमान क्या है? क्योंकि वो शब्द हमेशा दो अनजान लोगों को मिलाता है और तुम जैसे दोस्तों को ये बात शोभा नहीं देती, इसलिए वापस इसका यूज मत करना। ठीक है भाई, चीयर्स की भी आवाज नहीं आएगी, तू इंटरव्यू की तैयारी कर। अच्छे से तैयारी कर, इस बार जॉब मिलनी चाहिए। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा, सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। बाकी के दो लोग कहाँ हैं? वो दो दिनों से काम पर नहीं आ रहे। ऐसा है क्या? ठीक है मेरे लिए कॉफी लाइए। ठीक है। क्या हो गया? क्यों यार आज बड़ा खुश है, काम मिल गया क्या? नहीं यार। क्यों भाई, जैसे काम मिलता है वो खुश हो जाता है, तू बिना काम के खुश हो रहा है, तुझे समझना मुश्किल है यार, तू भी कमाल है यार, पता नहीं किस नक्षत्र में पैदा हुआ है। देख भाई लगता है ये काम मुझे देना भगवान को पसंद नहीं था, हो सकता है मेरे नसीब में कोई और अच्छा काम लिखा हो, इसलिए भगवान मुझे काम देने में इतना टाइम लगा रहा है, समझ गया ना? क्या बात कर रहा है तू? ये कैसे बता सकता है तू? क्या बात कही है बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बात की तुमने, मेरा पोता भी अगर तुम्हारी तरह सोच रखता तो कितना अच्छा होता। क्यों दादाजी क्या हुआ? मेरा पोता एक लड़की से प्यार करता था, उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया तो उसने आत्महत्या कर ली बेटा। रोइए मत दादाजी। क्या जमाना आ गया है, परीक्षा में फेल हुए तो
प्यार में धोखा मिला तो आत्महत्या कर लेते हैं, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। अपने बस में कुछ नहीं होता दादाजी, आप अपने आप को संभालिए। कैसे संभालूं अपने आप को मैं? जी ऐसे रोइए मत। पोस्टमैन चिरो। क्या है चिरो? हाँ। कोई लेटर आया तेरे लिए, देख जरा। अरे यार ये तो म्यूजिक टीचर के लिए बैंगलोर से इंटरव्यू लेटर आया है। अच्छा भाई देख लेना, ये काम तेरे सिवा और किसी को नहीं मिलेगा। हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन बैंगलोर जाना है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्यों सोचना पड़ेगा? नई जगह है, मैं किसी को जानता नहीं, कहाँ रहना है कैसे रहना है यही तो समस्या है। अरे यार बेंगलुरु में त्रिमूर्ति नगर में आनंद नाम का मेरा एक दोस्त रहता है, मैं उसे फोन करके बोल दूंगा, क्या बोलता है? और नहीं तो क्या। थैंक यू सो मच यार। क्यों ऐसी बात करता है भाई? बचपन में मैंने अपने माता पिता को खो दिया था, उसके बाद तुम्ही लोगों ने तो मेरी मदद की, तुम लोगों का एहसान मैं कैसे चुकाऊं? ज्यादा कुछ नहीं यार, एक फूल दिला दे, एक हाफ हो जाएगा। मुंह बंद कर, किस टाइम क्या बात करनी चाहिए तुझे पता नहीं है? सॉरी भाई। चिरू तू तैयार हो जा, मैं जाके ट्रेन का टिकट लेकर आता हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं दिलवा दूंगा। सामने होम मिनिस्टर रहते हैं ना, उनकी बेटी है। अच्छा पर वो घूम घूम के सबको फूल क्यों दे रही है? तुम खुद ही पूछ लो, चलो आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ एक्सक्यूज मी। यस। आप सबको जो फूल दे रही है इसकी वजह जान सकता हूँ? इन फूलों को सुबह तोड़ो तो शाम तक ये फूल मुरझा जाते हैं, पर तब तक ये मुस्कुराते रहते हैं। एक दिन की उम्र होने के बावजूद ये फूल मुस्कुराता रहता है, और हमारी उम्र 50 साल की हो या फिर 100 साल की हो, हम बस आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। क्या जरूरत है ये सब करने की? इन फूलों की तरह ही हर कोई हंसता मुस्कुराता रहे, इसलिए ये सबको बांट रही हूँ। आपका आइडिया तो अच्छा है, पर अनजान लोगों को फूल देने में आपको कोई हिचक नहीं होती? बॉर्डर पर रहने वाले सारे सैनिक हमें जानते हैं क्या? लेकिन हमारी खुशी की खातिर अपनी जान खतरे में डालते हैं ना? ये भी ऐसा ही है, अगर मेरे ऐसा करने से मैं 4 लोगों को भी खुशी दे पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ये फीलिंग ही कुछ और होती है। आपका एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। इस जमाने में वो भी इस उम्र में आपकी तरह सोचने वाले बहुत कम लोग होते हैं। यू आर रियली ग्रेट। आई विल प्रे कि जैसा आपका दिल है वैसा ही आपको पति मिले। अब तक बॉयफ्रेंड की ही पोस्ट पर है, मेरा हस्बैंड नहीं बना है। आपका कोई बॉयफ्रेंड भी है? ये सुनकर आपको शौक क्यों लग गया? इतनी प्यारी लड़की का जिसने दिल चुराया होगा वो कैसा होगा, यही सोच के शौक लगा। अब तो उसे मिलना ही पड़ेगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है, चलो तो चलते हैं ना। इसी वक्त दिल में आई विशेष उसी वक्त पूरी करनी चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यू नो लाइफ इज शॉर्ट, बिल्कुल इस फूल की तरह। आप बहुत अच्छी बातें करती हैं। वही एक मेरा प्लस पॉइंट है। चलो चलो। सर मैं इंटरव्यू के लिए आए हो? हाँ। महेश ने आपको यहाँ भेजा है ना? जी सर। अंदर आ जाओ। ये नया मेहमान कौन है भाई? अरे वही महेश ने बताया था ना। ओ भाई चिरू है ये, और ये सुरेश। हाय हाय, कैसे हो चिरू? मैं ठीक हूँ। महेश और कार्तिक कैसे? सब ठीक है। ओके, यही है अपना ताजमहल, तुम इसे हवा महल भी समझ सकते हो। वहाँ पे बाथरूम, ये बेडरूम और ये हॉल, और उस तरफ है किचन। और हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, प्लीज कम। हाँ दिखाता हूँ। वो देखो वहाँ एक झाड़ दिख रहा है ना? हाँ दिख तो रहा है। उसके ऊपर गणेश जी है ना? हाँ, वो भी दिख रहे हैं। हम जिस भी काम से बाहर जाते हैं उस गणेश जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारा सारा काम सफल हो जाता है। तुम्हें भगवान पे भरोसा है ना? क्यों मानते हो तो हाथ जोड़कर जाया करो, नहीं तो कोई बात नहीं, चॉइस इज योर्स।
अच्छा इंटरव्यू कितने बजे है? 11 बजे है। 11 बजे अभी 3 घंटे का टाइम है, आराम से जा सकते हो। हम शाम को मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। ओके ओके सी यू बाय 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 तुम्हें 11 बजे बुलाया था ना, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? मेरे एक नए फ्रेंड को तुमसे मिलवाने लाई हूँ। फ्लावर फ्रेंड है क्या? आपको कैसे पता चला? इसकी फ्लावर फिलोसफी सुनकर मुझसे मिलने वाले तुम 10वें आदमी हो, समझे? ओह ग्रेट, वेल आई एम फ्रीनी, आई एम दिलीप, कम इन। थैंक यू, घर बहुत अच्छा यार तुम्हारा। देखा, मेरी वजह से तुम्हारे भी फ्रेंड्स बन गए। थैंक यू वेरी मच, इट्स ओके, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। थैंक यू, वेरी नाइस पेयर। अच्छा आप करते क्या है? IAS का एग्जाम दिया है, रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। व्हाट अबाउट यू? एक्चुअली मेरा जर्मनी में बिजनेस है, यहाँ अपने दादा दादी से मिलने आया हूँ। दैट्स नाइस। एंड वन मोर थिंग, कल मेरी बर्थडे पार्टी है। वाओ, और तुम दोनों को जरूर आना होगा, यू गाइस आर स्पेशल गेस्ट फॉर मी। श्योर, डेफिनेटली विल बी देयर। डेफिनेटली, ऑलराइट, ठीक है, फिर कल मिलते हैं। हे कम ऑन, जूस, कॉफी, टी, समथिंग? माय ग्रैंडपा इज एक्चुअली वेटिंग फॉर मी। ऑलराइट, मिलते हैं, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो। श्योर, बाय। कॉफी, जूस, कॉफी, ओके। ओह, मेरे ससुर जी का लेटर है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्यारे बेटे दिलीप, हमें आशा है कि तुम खुश होगे। हम लोग यहाँ ठीक हैं, उम्मीद है तुम भी वहाँ ठीक होगे। इससे पहले मैंने तुम्हें 4 चिट्ठियाँ लिखी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हमने तुम्हारी शादी करवाने का फैसला किया है। इस लेटर के साथ साथ उस लड़की का फोटो भी है, फोटो देख लो और अपना फैसला हमें बता दो। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए एक लड़की की फोटो है, वही देख रही हूँ, तुम्हें देखनी है? देखो, तुम्हें एक बार आई लव यू बोल चुका हूँ ना, तो अब मैं किसी और लड़की की फोटो बिल्कुल नहीं देखूंगा। पर मुझे देखनी है। नो, छोड़ो, नो। तुम्हारी फ्यूचर वाइफ कैसी होगी मुझे देखनी है, प्लीज दिलीप। तुम हमेशा मजाक क्यों करती हो? मैं डैड को क्या जवाब दूंगा, इसी टेंशन में हो। व्हाट्स दिस? नो मींस नो, अगर ये रहेगी तो प्रॉब्लम होगी। What? मधु, हम जिस भी काम से बाहर जाते हैं उस गणेश जी का दर्शन करके जाते हैं तो हमारा सारा काम सफल हो जाता है। मानते हो तो हाथ जोड़कर जाया करो। भगवान के सामने हाथ जोड़ो तो गलत क्या है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक करना हाँ। भगवान का चेहरा देखने आया तो देवी का चेहरा सामने दिख रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा। ठीक है, जो होगा वो देखा जाएगा। अरे माँ देवी, क्यों मैडम, अपने बॉयफ्रेंड के पर्स में या फिर अपने पति के टेबल पर रहने की बजाय उड़कर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे इंटरव्यू का टाइम हो गया। आइए बैठिए। थैंक यू सर। यू आर मिस्टर चिरू? यस सर। इंटरव्यू में बुलाकर आपको 3 घंटे इंतजार करवाया, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? जिसमें सब्र नहीं होता वो काम के लायक नहीं होता सर। वेरी ट्रू। मैंने अगर आपको ये काम दिया तो ऑफिस में सबसे ज्यादा आप किसको रिस्पेक्ट देंगे? मैं तो बस अपने काम को ही रिस्पेक्ट दूंगा सर। अगर काम नहीं दिया तो? आपको रिस्पेक्ट दूंगा सर। ऐसा क्यों? अभी अगर आप मुझे ये काम नहीं देते हैं तो कल मुझे इससे भी अच्छा काम मिल सकता है सर, और वो काम मिलने की वजह आप ही होंगे सर।
इसलिए मैं सिर्फ आपको ही रिस्पेक्ट दूंगा सर। मेरी लाइफ में मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ। इनफैक्ट मेरा ब्लड ग्रुप भी बी पॉजिटिव है सर। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सर। आपकी एनर्जी देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। यू आर अपॉइंटेड। थैंक यू सर। एक घंटे में आपका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार होगा, आप उसे कलेक्ट कर लीजिएगा, उसे रेडी करवाओ। ओके सर। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं अपॉइंटमेंट लेटर कल आकर ले सकता हूँ सर? क्यों? अर्जेंटली एक इम्पोर्टेंट पर्सन को थैंक्स बोलना था सर। काम मिल गया इसलिए? जी हाँ सर। ओके कैरी ऑन। थैंक यू सर। सॉरी मैडम, आपको मैंने फेंक दिया था। दरअसल आप ही मेरी लकी देवी हो, आपकी वजह से ही तो मुझे ये काम मिला है। इस दुनिया में आप कहीं भी रहो, मैं आपको ढूंढकर थैंक्स कहूंगा। चिरो, हाँ? अकेले में क्या बात कर रहे हैं तू? मैं अकेले बात नहीं कर रहा था, जिस देवी ने मुझे काम दिलवाया उससे बात कर रहा था। क्या काम दिलाई वो देवी? तो और क्या, तुमने मुझसे कहा था कि भगवान का दर्शन करके जाऊंगा तो सब अच्छा होगा। तो मैं भगवान का दर्शन करने खिड़की के पास गया तो वहाँ पर मुझे ये फोटो मिल गई। पहले तो मैं कुछ समझा ही नहीं और इस फोटो को अपशकुन समझ कर ऐसे ही कोने में फेंक दिया। लेकिन इसे देखने के बाद मुझे एक अच्छी नौकरी मिली। तुम दोनों ने इन्हें कहीं देखा है क्या? इसे मैंने तो नहीं देखा। तूने कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने भी कहीं नहीं देखा। मैं नहीं जानता इसे। तो फिर भला ये फोटो आई कहां से? अच्छा भाई, जॉब मिली है तो उस खुशी में पार्टी वार्टी नहीं दे रहे हो क्या? जैसे ही फर्स्ट मंथ की सैलरी मिलेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। अरे यार, तेरी पहली सैलरी आने तक हम सब्र नहीं कर सकते भाई। इस खुशी में हम लोग अपनी तरफ से एक पार्टी रखेंगे, ठीक है ना? ठीक है। Excuse me, sir. इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं सर, मैंने नहीं देखा, सॉरी। Excuse me, sir. इस फोटो वाली लड़की को कहीं देखा है क्या? सॉरी, नेवर सीन। थैंक यू सर। वेलकम। बाय बाय। आइए सर। आइए। नमस्ते जी। यहाँ रेनोवेशन करवाना है, उसे बता दिया है हमने, और यहाँ भी करवाना है। ये देखिए, यहाँ पीछे की तरफ। देवी माँ, आपकी कृपा से सब अच्छा चल रहा है। आज मेरा काम पर जाने का पहला दिन है, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। कहाँ है सब लोग? इस मंदिर के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, ये सब कहाँ? सर वो आ रहे हैं। लेट क्यों हो गया? वो रास्ते में है क्या? जी मैं बात कर रहा हूं। मोस्टली ऑफिस से निकल चुके हैं, बस पहुंचते ही होंगे। आपका फोन है सर। मंदिर में हूँ, बाद में बात करने को बोलो। सीएम लाइन में है सर। हाँ जल्दी लाओ, तुम सब जाओ पूजा करो। चलो। जी साहब नमस्ते। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। वो सब मैं देख लूंगा। आप तो सर, एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूँ दोबारा। एक मिनट। हाँ आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानता। मेरी बोतल मुझे वापस चाहिए। सुंदर जी इधर सुनो। सर उधर देखो। ये आवारा मैडम से क्या बात कर रहा है? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कहीं उनको अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ए, मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। नहीं, दरअसल उस दिन शास्त्री जी ने कहा था ना, इसलिए थोड़ा। देखिए, इस कुंडली के आधार पर आपकी बेटी की शादी उसकी मर्जी से ही होगी। वो जिसे पसंद करेगी उसके साथ ही शादी करेगी। सुंदर, चाहे जो भी हो, मेरी बेटी पर नजर रखो। ठीक है सर। मेरे लिए मेरी इज्जत प्यारी है, पोजीशन जरूरी नहीं है मेरे लिए। हाँ जी बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।
इतने कलरफुल एटमॉस्फेयर में जाने के बाद उस लड़की की तस्वीर देखना जरूरी है? वो लड़की यहीं कहीं होगी, यही सोच कर ढूंढ रहे हो? हाँ यार, पहले इस लड़की की फोटो अंदर रखो। कम ऑन यार, लेट्स एंजॉय। हे ओके बाय। सॉरी, इट्स ओके। जरा अपना पैर उठाइए, मुझे फोटो लेनी है। What? गलत मत समझिए, आपके पैरों के नीचे जो फोटो है मैं उसे लेना चाहता हूँ। सॉरी, इट्स ओके। इसी फोटो के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा था। कौन है ये, आपकी गर्लफ्रेंड है? ए, नहीं नहीं। तो फिर? इन्हें तो मैं जानता भी नहीं हूँ, भगवान का चेहरा देखने गया तो इनका फोटो दिख गया और इन्हीं की वजह से मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, इसलिए ये जहाँ कहीं हो इन्हें एक बार ढूंढ कर तो मुझे थैंक्स बोलना है। आपका ये एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद आया। अपना फोन नंबर दे दीजिए, अगर मैं इस लड़की को कहीं देखूंगी तो आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। थैंक यू। या डूड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेट्स सी। अरे हां, हम मंदिर में मिले थे ना। ओह राइट, आप मंदिर में। मेरा दुपट्टा। या या करेक्ट। या मिले, तुम्हें कहां-कहां नहीं ढूंढा यार। आई एम सो सॉरी। तुम भी यहाँ? फ्रेंड्स के साथ पार्टी के लिए आए। ओह दैट्स नाइस। पहले तुम मेरे जानते हो? हाँ, ये कल मेरे फ्लैट के पास किसी लड़की का फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा था। ओह, वो मिली क्या? नहीं अब तक नहीं, बस ढूंढ रहा हूँ। एनीवेज, आई एम दिलीप। हाय, आई एम चिरू। दिस इज माय गर्लफ्रेंड मधु। हाय, दिस इज श्रीनी द बर्थडे बॉय। हाय, हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स अ लॉट यार, तुम लोगों के होते हुए भी ये पार्टी इतनी बोरिंग कैसे हो सकती है? कुछ करो यार। अरे भाई, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपना चिरू है ना वर्ल्ड क्लास म्यूजिशियन, बहुत बढ़िया डांस भी करता है। नहीं नहीं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। नहीं, अरे इनकी बात मत मानिए। हे कम ऑन यार, कम ऑन, एक गाना, कम ऑन, कम ऑन चिरू, कम ऑन यार। ओके ओके। आजकल हमारे गांव के आसपास बस को रोककर बहुत डकैतियां हो रही हैं सर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर बस में एक सिक्योरिटी रखनी चाहिए सर। लगभग यहां कितनी बसें चलती होंगी? 100 बसें चलती होंगी सर। 100 बस के लिए कहां से सिक्योरिटी लाओगे? हाँ, इसे भी अभी फोन करना था। हाँ बोलो सर। उस लड़के के बारे में बात करना था, अर्जेंट है। एक मिनट रुको, लाइन चालू रखना। मैं कमिश्नर से बात करके कोई रास्ता निकालता हूँ। हाँ, आप लोग जा सकते हैं। चलते हैं। भेज दो। नमस्ते। नमस्ते सर। बोलो सर, उस लड़के का मैडम से कोई तो चक्कर है? तू सच बोल रहा है ना? कसम से सर, मुझे लगता है दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पार्टी में दोनों एक साथ घूम रहे थे, कहिए तो लड़के को उड़ा दूं सर। तू क्या करेगा वो मैं नहीं जानता, अगली बार वो मेरी बेटी के साथ नहीं दिखना चाहिए। सर आप एक बार बोल दें तो उस लड़के के टुकड़े टुकड़े करके चील कौओं को खिला दूं। ए, 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 कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर। हाँ, पहले से ही ऑपोजिशन वाले पीछे पड़े हुए, टीवी वाले से बार बार दिखाते रहेंगे। वायलेंट मत हो, साइलेंटली वार करो, समझ गए? समझ गया सर। हाँ, कहीं ये ज्यादा कुछ गड़बड़ न कर दे। ए, आज की पार्टी बढ़िया लगी ना? जबरदस्त था यार, आज पार्टी में चीरू की वजह से मजा आ गया, बहुत मजा आया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, वो सब तो। क्या नाम है वे तेरा? चिरंजीवी सर, सारे लोग मुझे प्यार से चीरू कह के बुलाते हैं। तू अपने को मेगा स्टार चिरंजीवी समझता है क्या? नहीं सर। बेंगलुरु में क्या कर रहा है? बस अपना काम कर रहा हूँ सर। सिर्फ काम ही करना, उसके अलावा अगर कुछ हीरोगिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं सर? आजकल हमारी मैडम के पीछे पड़ा हुआ है तू, इसीलिए कह रहा हूँ। आपको कुछ मिस्टेक हो गई होगी सर। नहीं, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, उस लड़की का पीछा छोड़ दे। किस लड़की की बात कर रहे हैं आप? ओह, उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं क्या? वो तो मुझे काम दिलवाने वाली देवी है। अच्छा, काम भी दिलवाई है क्या? ज्यादा चिल्ला मत, मीडिया वाले आ जाएंगे। देख, मैं आखिरी बार तुझसे कह रहा हूँ, लड़की के पीछे मत पड़। सर, आप उस लड़की को जानते हैं? प्लीज आप बता दीजिए ना, वो लड़की कहाँ रहती है? ए, कान के नीचे बजाऊंगा, नाटक कर रहा है मुझसे? नहीं सर, कसम से नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लड़की को ढूंढ रहा हूँ, चाहो तो देख लो ना, ये रहा उसका फोटो। अरे सर, आप ये फोटो क्यों फाड़ रहे हैं सर?
क्यों देखूं मैं फोटो? ऐसे क्या घोर रहा है? ए, क्या रे? भाई के ऊपर हाथ उठा रहा है? ए, मीडिया मीडिया ब्लैक कोबरा भाई, वो लोग कब के चले गए? क्यों खाली फोकट में चिल्ला रहे हो? बीपी बढ़ जाएगा। चले यहाँ से, मेरा मजाक उड़ा रहा है। सुनिए जी, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? 12 बज गए हैं, चलिए खाना खाते हैं। मुझे भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। सुनो, क्या हुआ जी? देखो, बुरा मत मानना, शादी से पहले तुमने किसी से प्यार किया क्या? नहीं तो क्यों? लोगों को कहते हुए सुना है कि बेटी माँ पर जाती है, तुमने भी सुना होगा। और बच्चे घर के अंदर अपनी माँ की देखभाल में ही बड़े होते हैं, ये भी तो सुना होगा। हाँ सुना है, लेकिन क्यों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? आजकल हमारी बेटी जिस तरह का बिहेव कर रही है, जैसे उसके रंग ढंग बदले हुए हैं, मुझे लगता है कहीं उसकी वजह तुम तो नहीं। उसके बारे में पता है? नहीं पता। ट्रैफिक ज्यादा है ये बात कहकर तुम्हारी बेटी मेन रोड से नहीं जाती है, आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर आराम से शॉर्टकट से जा रही है। हमारी बेटी ऐसी नहीं है जी। मैं अपनी बेटी को बुरा नहीं कह रहा, उसकी उम्र के बारे में कह रहा हूँ। देखो कि मेरी बेटी बिगड़ ना जाए। लगता है आ गई, जाकर दरवाजा खोलो। मैं तुम पर नाराज था इसलिए तू उस पर मत भड़क उठना, ध्यान रहे आगे ऐसा ना हो। जाओ जी। हाय माँ। आ जा बेटा। पापा आ गए क्या? हाँ आ गए हैं। बेटी। पापा, आप अब तक सोए नहीं पापा? तुम्हें जब तक देख न लूं नींद कैसे आएगी? इतना लेट कैसे हो गई? मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी थी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। बर्थडे? कहाँ थी पार्टी? मेरे फ्रेंड के घर में। हाँ पापा। अच्छा, पार्टी में किसके साथ गई थी? अकेली गई थी पापा। अकेले गई थी? हाँ। और खाना खाया तुमने? खा लिया पापा, वही पार्टी में ही खा लिया। Okay. I'm really tired, पापा। जाकर सो जाऊं? ठीक है, जाओ। जाओ, जाओ, जाकर सो जाओ। Good night, ma. Good night. Good night, पापा। Night. देखा, झूठ बोल रही है। इसका मतलब क्या है जानती हो? हैं? ये किसी से प्यार करती है। सभी को नमस्कार। आज हमारे लिए बड़ा ही शुभ दिन है। इस साल के नृत्य उत्सव के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। बस रुकी रुकी। What's this? तिलिप यहाँ आओ। क्या हुआ? ऑटो वाले को चेंज दो ना प्लीज। लेट आती हो, ऊपर से चेंज भी मांगती हो। कितना हुआ भाई? 100 रुपए साहब। ले लो। मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यार। I'm sorry दिलीप, आने में थोड़ी देर हो गई। मुझे पहले ऐसे प्रोग्राम्स पसंद नहीं और फिर तुम इंतजार कर रहती, ये ठीक नहीं है यार। You know what? कल पापा ने पहली बार मुझसे पूछा कि कहाँ गई थी। ओह, क्या उन्हें अपने बारे में पता चल गया? वही समझ नहीं आ रहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। ये लड़की, you remember? क्लब फोटो, चीरू, she's the same girl. Oh yeah, क्लब में फोटो दिखा दिखा के इसी ढूंढ रहा था ना। Exactly, चीरू का नंबर दो ना, उसे कॉल करती हूँ। जल्दी चली जल्दी चली। हेलो चिरू, हेलो चिरू, कहाँ पर हो तुम? अब आपके सामने नृत्य करने आएंगी नंदिनी। कहाँ है वो? अंदर है, चलो। अंदर है, चलो। वो पीछे गई है। थैंक यू। नमस्कार सर।
सर नमस्ते। नमस्कार। चलो 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 आइए सर आइए आइए। ये क्या प्रोग्राम है? डांस प्रोग्राम है सर। डांस का? नमस्ते सर। ये मैं तो मुझे क्यों बुलाया? सर इसलिए बुलाया कि नेक्स्ट फ्यूचर के सीएम आप ही है ना, तो आपको इसकी आदत लगी रहेगी। अच्छा ये बात है। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार। और प्रोग्राम कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया सर। आइए। एक्सक्यूज मी, इससे पहले जिस लड़की ने डांस किया वो कहाँ है? अभी उस तरफ गई है। थैंक यू सो मच। इट्स ओके। कम। हमारी परंपरा में, मतलब हमारी भारतीय परंपरा में, नृत्य की परंपरा का 2000 साल पुराना इतिहास है। धीरे धीरे लोगों के दिलों में बसता हुआ ही आगे बढ़ता आया है। हाँ, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, यक्षगान, कुचिपुड़ी, ये उधर देखो। अरे कहाँ गई? उसे ही तो ढूंढ रही हूँ। तूने उसे वार्न किया था तो फिर साथ में क्यों घूम रहा है? मैं सब ठीक कर दूंगा सर। हाँ। आप चिंता मत कीजिए। हाँ, 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 कंटिन्यू कीजिए। हाँ, 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 तो मैं क्या कह रहा था कि हमारे देश में एक मिनट कहीं नहीं दिख रही है, तुम उस तरफ जाकर ढूंढो ना उसका। हाँ दिलीप, टेल मी। पुराना पीछे तो देख लो। और हमारे देश के लोग, अरे आप क्या करें? एक काम करते हैं, तुम यहाँ से निकलो और मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। इसीलिए बाद में मिलेंगे। इस देश का और इस देश के लिए, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो या फिर शहर हो, इन सब का, इन सब की हमें तारीफ करनी चाहिए। और ये सब बोलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मिली क्या? नमस्ते। या सर, क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? एक बार बोला तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? ए, तू वो सब छोड़, ये बता यहाँ क्या कर रहा है? वो लड़की को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, लड़की को ढूंढ रहा है? हाँ। किस लड़की को? सर उसी को सर, मेरी लकी गर्ल, उसे ही तो ढूंढ रहा हूँ मैं। अच्छा चला, कहाँ चलना है? चल दिखाता हूँ ना तुझे, आजा। अब जानते हैं क्या उसे? ए, नाटक मत कर, चला आजा। हाँ ठीक है, चलिए। उतारो उसे। ए, चलिए उधर। वो लड़की यहीं पर है क्या? हाँ चला ना। ए, तू बाज नहीं आएगा, तू हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने कल ही तो बताया था, उस लड़की को मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ, फिर आप बार बार वही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा ये बता, मैं तुझे कैसा दिखता हूँ? एकदम काला कोयला दिखते हो भाई। मीडिया वाले आ जाएंगे। ए, तू चुप कर। कल हम लोग सिर्फ तीन थे इसलिए तू उछल रहा था, जरा नजर डाल ले हम लोग कितने हैं, टमाटर जैसी चटनी बना देंगे। अभी इज्जत से कह रहा हूँ तुझसे, शहर से चला जा। चल अपना हाथ हटा। अगर नहीं हटाऊंगा तो तू क्या कर लेगा बे? देख, जनरली मैं किसी के मैटर में अपना हाथ नहीं डालता, और डालता हूँ तो काम पूरा होने तक हाथ मैटर से निकालता नहीं हूँ, इसलिए ईमानदारी से बोल रहा हूँ हाथ हटा। Oh!
छोड़ दो। क्यों बे, मेरे इतनी बार मना करने के बावजूद भी तूने मेरी बात नहीं मानी। इज्जत से तुझे कह रहा था हाथ हटा, हाथ हटा बोल रहा था ना, लेकिन मेरी बात नहीं मानी। अब क्या, टमाटर 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 जैसी चटनी बनाऊंगा और तेरी इस खौफनाक शक्ल को तोड़ तोड़ कर उसमें से जूस निकालूंगा। अब जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन, मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूंगा, तुझे जो उखाड़ना है ना वो उखाड़, समझ गया ना? हिसाब में रहना सीख ले। बाप रे, बड़ी मुश्किल से बचा, फिर से क्यों मारा? वार्निंग। अरे ले तो लिया वार्निंग, मेंटेन कर। कमर टूट गई। हेलो। हेलो, वार्न किया उसे? हम उसे वार्न करने ही आए थे, पर वो हमारी धुलाई करके हमें ही वार्न करके चला गया। सर बताइए क्या करें हम? अब ये भी मैं ही बताऊं, ना कारा कहीं के, वो रहता कहां पर है? वो किसी फ्रेंड के पास रहता है। ए, पहले उसके फ्रेंड को धमकी दो, वो जरूर सुनेगा। और सुनो, ये काम ठीक से करना। ठीक है सर। हाँ नमस्कार, मैं राजशेखर बोल रहा हूँ, साहब हैं क्या? हेलो। हेलो, मैं तुम्हारे म्यूजिक स्कूल का एमडी बोल रहा हूँ। हमें कंप्लेन मिली है कि आप किसी लड़की के लिए झगड़ा कर रहे हैं। सर ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो बस मैं देखो, वो सब मुझे नहीं पता। ऐसे कैरेक्टरलेस लोगों को हमारे यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। सर मैं आपसे कहता हूँ ये सब झूठ है, आप उनकी बात मत मानिए सर। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सस्पेंड कर रहा हूँ। सर 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 मेरी बात तो सुनिए ना सर। फोन रख दो प्लीज सर। हेलो सर, सर पापा? अभी तुम फ्री हो ना, 5 मिनट के लिए बात करनी है। कहिए ना पापा। कल तुम कहीं भी मत जाना। पर क्यों पापा? कल तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा था तुम मान जाओगी, इसीलिए मैंने हाँ कर दिया। लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सेंट्रल मिनिस्टर है ना, रामाधार जी, वो मेरे क्लोज फ्रेंड है। देखो तुम उसके घर की बहू बनोगी तो जिंदगी भर के लिए खुश रहोगी। अब एक्चुअली पापा क्या हुआ, तुम किसी से प्यार हुआ? नहीं नहीं पापा, इतनी जल्दी शादी करवाने की क्या जरूरत है, ये कह रही थी आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगी। ठीक है ना, जैसा कहूंगा वैसा करोगी। हाँ। ये हुई ना बात। जाओ जाकर रेस्ट करो। ठीक है, ओके पापा। क्या हुआ? अरे बोलना। ए सुरेश क्या हुआ, बोलना। अरे बोलना, बोलेगा कि नहीं, किसने किया ये? अरे बोल तो सही। तुम जिस लड़की को थैंक्स कहने के लिए ढूंढ रहे हो ना, उसके पीछे बहुत बड़ा लफड़ा है यार, इसीलिए वो लोग तुम्हारा भी पीछा कर रहे हैं। भूल जाओ उसे। ए, मैंने ऐसा क्या गलत किया यार? यहाँ सही और गलत का सवाल नहीं है, हमारी जिंदगी का सवाल है, और हम किसी भी हालत में ये रिस्क नहीं ले सकते। वो लोग बहुत ताकतवर हैं। कल तक अगर तुम ये शहर छोड़कर नहीं गए तो हमें मार डालेंगे, ऐसी धमकी दी है। अपनी बात छोड़, हम तो फ्रेंड्स हैं,
फ्रेंडशिप के लिए जो हो सकेगा हम करेंगे, मगर हमारा परिवार हमारे भरोसे पे जी रहा है। अगर हमें कुछ हो गया तो उनकी देखभाल कौन करेगा? हम लोगों को तू माफ कर देना चाहिए। माफी मांगने की तुम लोगों को क्या जरूरत है? मैं मांगता हूं। जब से मैं यहां आया हूं तुम लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है, इस सब की वजह तो मैं हूं। हां, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा तो नसीब ही नहीं है कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मैं कल सुबह ही अपने गांव के लिए रवाना हो जाऊंगा। तुम लोग सब अच्छे से रहना बस। हेलो हेलो दिलीप, कहाँ हो तुम? मधु, व्हाट्स रॉन्ग? लगता है मेरे डैडी ने हम दोनों को एक साथ ऑडिटोरियम में देख लिया था। उन्होंने अपने किसी फ्रेंड के बेटे के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। माय गॉड, अब क्या करें? अब क्या करें मतलब, कल सुबह भागकर रजिस्टर ऑफिस में जाकर शादी करना है बस। इतनी जल्दी शादी करना जरूरी है क्या? अगर हम लोगों ने अब डिसीजन नहीं लिया तो कभी नहीं ले पाएंगे। सो नो सेकंड थॉट्स। शार्प 10 o'clock मल्लेश्वर रजिस्टर ऑफिस में पहुंच जाऊंगी। ओके, तुम भी आ जाना। मधु, शादी तो कर लेंगे लेकिन आगे क्या होगा ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है यार। डोंट फॉरगेट यू आर अ होम मिनिस्टर्स डॉटर। तुम ये सब सोचना बंद करो और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। ओके फाइन, डोंट वरी, कल मैं अपने फ्रेंड के साथ वहां आ जाता हूं। ऑलराइट, तुम ज्यादा सोचो मत अब, जस्ट टेक केयर एंड स्लीप वेल। ओके, आई विल सी यू टुमारो। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम लोग? सब पहुँच तो गए हो ना? सॉरी यार, हम सब नहीं आ पा रहे। क्यों? वहाँ आने में हम सबको डर लग रहा है यार। दोस्तों के ऐसा तो मत बोलो यार, प्लीज कम ऑन। अरे भाई, वो होम मिनिस्टर की बेटी है, ऊपर से वो बहुत पहुँच वाले लोग हैं। कल हमें कुछ हो गया तो क्या होगा? हमें माफ कर दे यार। क्या यार, तुम लोग कैसे फ्रेंड्स हो, जरूरत में भी हेल्प नहीं कर रहे हो, तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या फायदा? देख भाई, बुरा मत मान। आथू फोन रख और टाइम वेस्ट मत कर, मुझे पहुँचना है वहाँ पर। सर उठिए ना सर। क्यों सर, ये आपके साथ क्या हो गया? क्या बताऊं यार, मेरे ग्रह ठीक नहीं चल रहे हैं। क्यों, क्या हुआ सर? मधु के साथ मेरी आज रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी है। सारे फ्रेंड्स ने कहा था कि वो लोग वहाँ आके साइन करेंगे। हाँ, मोमेंट पे सबने मना कर दिया। अरे अरे, क्या बताऊं यार, मेरा तो नसीब ही ठीक नहीं है। इसके लिए आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं सर? मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ क्या? हाँ फ्रेंड तो हो। हाँ तो और क्या चाहिए, चलिए चलकर साइन कर देता हूँ। थैंक यू चिरू, थैंक यू वेरी मच। अरे सर, थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, चलिए चलते हैं। कम। लेट हो गए। लेकिन आप तो खाली आज जा रहे हैं, साथ में मंगलसूत्र नहीं लाए क्या? उफ़, टेंशन में सब लाना भूल गया। एक काम कीजिए, आप जाकर ले आइए, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। ओके ओके ओके, वेट, मैं अभी जाता हूँ। ठीक है। मुस्लिम है? तुम्हारी वजह से ही बना पड़ा है। मेरी वजह से? ऐसा क्यों? तुम्हें तुम्हारी उस फोटो वाली लड़की से मिलवाने के चक्कर में मुझे और मेरे बॉयफ्रेंड को साथ में देखकर मेरे पापा ने मेरी शादी दूसरे लड़के से तय कर दी है, इसीलिए मुझे इस भेस में आना पड़ा। चलो, मेरी वजह से एक अच्छा काम तो हो रहा है। अच्छा वैसे तुम यहाँ कैसे? देखिए, अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है, दिलीप हार और मंगलसूत्र लाने गया है, आप जाकर रेडी हो जाइए। चलिए जाइए 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 जाइए। घर वाले अगर पूछेंगे कि बैंगलोर जाकर क्या किया तो कहूंगा कि एक शादी करवा के आया हूं। क्या प्रॉब्लम है यार तुम्हारा? ब्लैक भाई। कोबरा।
मारोगे क्या? अरे कल ही तो मैंने बहुत धोया था और तुम फिर से मार खाने आ गए। आज तुम्हें मेरे ऊपर हाथ उठाने का चांस ही नहीं है। अबे क्या मजाक कर रहा है, मैं अपनी फ्रेंड की शादी में साइन करने के लिए आया हूँ। बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? एक बार बोलो तो समझ में नहीं आता। अरे भाई मैं सच में साइन करने आया हूँ। ठीक है हम सब साइन कर देंगे, अभी तू कल्टी मार। कोई अच्छा काम करो तो बुराई सामने आती है, और वैसे भी मेरी वजह से क्यों ये शादी रुके। चलो ठीक है तुम ही इस शादी में साइन कर देना। शयाने वो हमें मालूम है, अभी तुम जाओ सीधा रेलवे स्टेशन जाना। ए ड्रॉप करो इसे। एक मिनट, ये लो ये बैग उठाओ, असिस्टेंट के हाथ में दे। चल पकड़ ले रे, अभी शक्ल क्या देख रहा है मेरी, चल निकल ले चल। ए चले। हाँ भाई। ले पकड़ इसे और जरा होशियार रहना, लेके जाओ उसे। ठीक है भाई। ए तू क्या देख रहा है, चल इधर आ। मैडम जिद मत कीजिए, वो अभी नहीं आने वाला, अपने पंटर उसे लेके गए, चलिए चलते हैं। देखो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये सब मैंने उसे करने को कहा, अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूँगी मुझे भी नहीं पता। अरे उसे कुछ भी नहीं होगा, उसे रेलवे स्टेशन भेजा है सही सलामत पार्सल के लिए। आप आइए मेरे साथ। मैं नहीं आऊँगी। मैडम आप समझ नहीं रही हैं, सर बहुत टेंशन में है, चलिए ना मेरे साथ चलिए। दिलीप तो यही हो रहे, फिर ये लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैडम रुक क्यों गई, चलिए ना। अरे सोच क्या रही है, चलिए चलिए। हेलो। हाँ सर बोलिए। कहाँ हो? रजिस्ट्रार ऑफिस के पास हूँ। ए तुम उस तरफ से चलो। सर हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है, मैंने उसे वापस भेज दिया है। सर हम वापस आ ही रहे हैं सर। हाँ हम गाड़ी में बैठ चुके हैं सर, मैडम भी हमारे साथ गाड़ी में ही है। हाँ सर बिल्कुल। ए, 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 अरे मैडम क्या देख रहे हो, मधु भाग रही है, पकड़ो उसे जल्दी। क्या हुआ? वो सर आपके साथ फोन पर बात करते समय मधु मैडम भाग गई। मोटे तू कर क्या रहा है वहाँ? सर वो मैं गियर चेंज कर रहा था। गियर चेंज कर रहा था, उसी लायक है तू बेवकूफ कहीं का। पकड़ो उसे। हाँ जा रहा हूँ सर। पकड़ो, कहाँ गई वो? जल्दी करो, जल्दी जल्दी जाओ पकड़ो उन्हें। मुझे क्या करना है खुद समझ नहीं आ रहा, अभी वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं, मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना? ओके फाइन। ओके अभी तो तुम दोनों खुश हो ना, मैं अपने गांव जो जा रहा हूँ, आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई संबंध नहीं है, चलता हूँ। चल निकाल यहाँ से। जल्दी शादी नहीं हो गई? हेलो मधु जी, जल्दी आइए,
जल्दी जल्दी मधु जी जल्दी आइए। जल्दी जल्दी अरे उसने प्लानिंग करके मधु को यहाँ बुलाया है, पहले उसे पकड़ो। जाओ जाने ना पाए। जल्दी आइए। फोन है भाई, इनके भागने की बात सर को पता चले तो बहुत गुस्सा करेंगे। सही कह रहा है भाई। हाँ, अगर ये फोन रहेगा तो जवाब देना ही पड़ेगा। ये फोन ही नहीं रहना चाहिए। अब ये फोन नहीं रहे। क्या बात है, आप इतना टेंशन में क्यों भाग रही थी? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? अच्छा ये बताइए, आप यहाँ पे अकेली आई है? आपका हस्बैंड कहाँ पर है? इसी ट्रेन में है। ओ, इसी ट्रेन में है। अच्छा है, तो फिर ठीक है। ओके, तो हनीमून के लिए कहाँ जा रही हो? शादी कहाँ हुई जो हनीमून के लिए जाएंगे? मतलब आप दोनों की शादी नहीं हुई? उस सुंदर ने आप दोनों की शादी नहीं करवाई क्या? हमारी शादी तुम्हारी वजह से ही रुकी है। क्या कहा, मेरी वजह से? अरे वो तो मेरे साथ झगड़ा करने आया था, तो फिर शादी क्यों रुकवाई? मेरे पापा शादी के लिए राजी नहीं है इसीलिए। ऐसा क्या? आपके पिताजी का और उसका क्या संबंध है? मेरे पापा होम मिनिस्टर हैं और वो उनका चेला है। क्या? आपके पापा होम मिनिस्टर हैं? अच्छा, वो तुम्हारे साथ झगड़ा क्यों कर रहा था? वही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। और एक मिनट, करना उसके अलावा अगर कुछ हीरो गिरी दिखाने की कोशिश की ना तो फिर तू तो गया। ए, तू बाज नहीं आएगा तो हमारी मैडम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? बेटा तू साइन करने के लिए आया है या फिर खुद शादी करने आया है? अभी पता चला, वो लोग इतने दिनों से ये समझ रहे थे कि मैं जिस लड़की की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि आप है, इसलिए वो लोग मुझसे झगड़ा कर रहे थे। मतलब रजिस्टर ऑफिस में वो लोग जिस लड़के के बारे में बात कर रहे थे वो तुम हो? हाँ, वो बैड लक पर्सन मैं ही हूँ। मैंने सोचा था सेंटिमेंटली मुझे बैंगलोर वर्कआउट नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, एकदम वर्कआउट हो गया। मतलब नेक्स्ट स्टेशन पर हमें पुलिस वाले मिल जाएंगे, उनके पास जाकर मैं कहूँगा कि होम मिनिस्टर के बेटी का लवर मैं नहीं हूँ, कोई और है, तो मेरा काम बन जाएगा और मुझे छुटकारा मिल जाएगा और मैं आराम से जी सकूंगा। ओहो, अगला स्टेशन तो अभी आ ही गया। अब कोई और रास्ता बचा भी नहीं है। किरु, you're a lucky person. अरे ये कहाँ गई? सर। हाँ बोलो। दरवाजे पर मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, क्या आपने उसे देखा? उसे गाड़ी से कूदे 1 घंटे हो गए, अभी तक घर पहुंच गई होगी, जाके वहीं पे देखो। ए, रुक जाओ! अरे मैडम, ए! अब क्या करूं मैं? अगर ये भाग गई तो मुझे मेरी नौकरी नहीं मिलेगी।
सुनिए सर, यहाँ पर एक लड़का लड़की बैठे थे, आपको पता है कहाँ गए? उन दोनों को उतरे 2 घंटे हो गए, सब उसी को ढूंढ रहे। 2 घंटे हो गए? हेलो, आईफोन है, होम मिनिस्टर सर का। इसीलिए तो मैंने अपना फोन तोड़ दिया था जी भाई। फिर मुझे फोन क्यों दे रहा है? हाँ सर, बोलिए। कहाँ हो, मिल गए वो? सर वो लोग ट्रेन से उतरकर भाग गए। सूअर है तुम सब पर, खा खा कर सूअर जैसे हो गए हो, थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है। सर हम लोग पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, उस लड़के को हम जाम से मार देंगे, वो हमसे बचकर नहीं जा पाएगा सर। पहले वो काम कर। आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं पक्का आपकी बेटी को साथ लेकर आऊंगा। ठीक है ठीक है। जी सर। ए चलो यहाँ से। हेलो, हाँ चंदू, चंदू एक ब्रेकिंग न्यूज है, होम मिनिस्टर की बेटी एक लड़के के साथ चलती हुई ट्रेन से उतरकर भाग गई। जितनी जल्दी हो सके इस न्यूज को टीवी चैनल्स और पेपर वालों को फॉरवर्ड कर दो, ठीक है? ए, जी, अरे रुकिए तो, रुक जाइए ना। अरे आपको अकल नहीं है क्या? मुझे आपका लवर समझकर आपके पिताजी मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। अगर इसी बीच आपको कुछ हो गया तो आपके पिताजी मुझे छोड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं का क्या मतलब, मैं आपको आपके पिताजी के पास सौंप दूंगा और कह दूंगा कि मैं इसका लवर नहीं हूं। उसके बाद आप देख लेना क्या करना है वो। Did I interfere in your business? क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हो तुम? क्योंकि मैं फंस गया हूँ, मैं आपका लवर नहीं हूँ। आपके लवर का चेहरा किसी ने नहीं देखा है और हर कोई मुझे ही आपका लवर समझ रहा है। अब समझ में आया? वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मतलब? हेलो, ए डोंट टच मी। ओके सॉरी, मेरी जान चली जाए तो भी चलेगा क्या? एक काम करो, मेरी शादी की फोटो पेपर में आने तक तुम चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाओ। ओके? अंडरग्राउंड होकर छुप जाऊं? कमाल है, मैं कुछ और कह रहा हूं और ये कुछ और कह रही है। हेलो, रुकिए मधु जी, मधु जी, अरे मेरी बात तो सुनिए, रुकिए तो मधु जी, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मधु जी सुनिए तो, अरे मधु जी, अरे एक मिनट बात सुनिए, मधु जी रुकिए ना, अरे बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा है क्या? ए, रुकिए तो सही। ए, ए, कहाँ जा रही हैं आप? प्लीज लीव मी। बोलिए तो सही। प्लीज प्लीज। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कहाँ जा रही हैं आप? Hey, अब मैं और नहीं भाग सकता, उम्र हो गई है, बीपी शुगर भी है। मैडम चलिए हमारे साथ। प्लीज सुंदर भैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मेरे प्यार से दूर मत कीजिए। अरे आपके प्यार मोहब्बत से हमें कोई मतलब नहीं है मैडम, सर आपके लिए बहुत परेशान है, चलिए चलते हैं। प्लीज सुंदर भैया। अरे आप सुनती क्यों नहीं, चलिए। हाँ बोलना। आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। अभी आपको ये पता तो चल गया ना कि इसका लवर मैं नहीं हूँ बल्कि कोई और है। ओ देवी माँ, आपकी वजह से मैं बहुत टॉर्चर हुआ हूँ, अभी यहाँ से आप चली जाइए। हेलो, अरे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, ले जाओ इसे। अरे ले जाओ यार इसे। ए पागल है क्या, या फिर हमें पागल समझ रहा है तू? अब ये कौन सा नया नाटक है तेरा? मजाक मत करो चीरू, मैं तुम्हारे भरोसे इतनी दूर तक आई हूँ, इस तरह से अपने प्यार को छोड़ दोगे तुम? प्लीज चीरू ऐसा मत कर। हटाओ, मेरे साथ नाटक कर रही हो क्या? चीरू, इसका और मेरा कोई संबंध नहीं है, ये बहुत ही चालाक लड़की है, इसे ले जाओ अपने साथ, जाओ। ये तो दोनों ही नाटक करने लगे। हाथ मत लगाना मुझे। यहाँ हम ड्रामा देखने नहीं आए। इसे खिलौना समझा है क्या? ये गन है, ट्रिगर दबाया तो आसमान में उड़ जाएगा। क्या तेरा सड़ा हुआ भेजा? पहले अपना तो भेजा संभाल। कहाँ जाएगा बे? मत मारो। मत मारना, मत मारना मुझे। क्यों? डायबिटीज है, गैंग्रीन हो जाएगा। वो तो तुझे होना भी चाहिए, तभी तो तेरे से छुटकारा मिलेगा। ये रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम है। अरे बाप रे, अरे तुम्हें अकल बकल है कि नहीं? अभी मैं तुम्हारा लवर हूं समझकर वो लोग मुझे ढूंढ रहे हैं,
और तुम तो ऐसा बिहेव कर रही हो जैसे मैं सचमुच का तुम्हारा लवर हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो लोग मुझे अपने साथ ले जाते। हाँ तो क्या, जो मुँह में आएगा बोलोगी क्या? ऐसा है तो मुझे दिलीप के पास ले चलो तुम। क्या कहा, दिलीप के पास ले चलूं? लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर तुमने किसी से प्यार किया होता तब मेरी फीलिंग समझते। ओ देवी माँ, मुझे ये लव शव के फंडे नहीं समझ आते। अभी मैं तुम्हें दिलीप के पास ले चलता हूँ, उसके बाद तुम दोनों की शादी करा दूंगा, फिर मेरा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। क्या सरदर्द है यार, चलो ले चलता हूँ तुम्हें। पता नहीं किस जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था जो ये मुसीबत पीछे पड़ गई मेरे। चलना तो पड़ी गई। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज। माननीय गृह मंत्री श्री राजशेखर जी की बेटी कुमारी मधुबाला को चीरू नाम के एक लड़के से प्यार हो गया है और इसलिए वो उसके साथ भाग गई है। खबर ये आई है कि बैंगलोर से हुबली जाने वाली रानी चिनम्मा एक्सप्रेस ट्रेन में ये दोनों सवार हुए थे। सूत्रों के द्वारा ये खबर भी मिली है कि पिछले 2 सालों से इन दोनों का अफेयर चल रहा था और ये शादी भी करना चाहते थे। हमारे माननीय गृह मंत्री जी यानी कि उनके पिताजी को ये शादी मंजूर नहीं थी, इसीलिए उनकी बेटी ने ये कदम उठाया। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मधुबाला और चीरू की फोटो। बेटी, ये क्या कर दिया तुमने? सर, आपसे मिलने प्रेस वाले आए हैं। किसने उन्हें अंदर आने दिया? सर वो क्या, तो उनसे बिजी हूँ। नहीं जाओ। सर अगर आपने बात नहीं की तो। नहीं करनी है बात। टीवी में जो न्यूज है उसे बहुत बड़ा इश्यू बना देंगे सर। अगर आप उनसे बात करके मैनेज कर देंगे तो अच्छा हो जाएगा सर। सही कहा। चलो वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात सच है क्या सर? आपके बेटे से प्यार करता है इसलिए आपने उसे नौकरी से निकलवा दिया? किसने बताया ये सब आपको? आप उनकी शादी कराएंगे? सारी की सारी बातें झूठी हैं। सर क्या आपको उन दोनों की शादी मंजूर नहीं थी? देखिए, मेरी बेटी उत्तर भारत टूर पे गई हुई है मंदिरों को देखने के लिए। अगर मंदिर गई है तो ट्रेन से जंप क्यों किया उसने? सर आप हमारे इस राज्य के गृह मंत्री हैं और हम सबको ये उम्मीद नहीं थी कि आप खुद अपनी बेटी के खिलाफ ऐसा कदम उठाएंगे। आप तो कहते हैं कि आप और आपकी पार्टी वाले जाति धर्म और एक इंसान के ओहदे से ऊपर उठ के उसको तवज्जो देते हैं, जब खुद की बात आई तो आपने ऐसा क्यों किया? देखिए आप एक छोटी सी बात को बड़ा कर रही है। हाँ, मैं कब से अपनी बेटी को फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन उठा ही नहीं रही। उसके साथ डिटेल में बात करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा, ठीक है? मेरी जिम्मेदारी है, वो मेरी बेटी है। हाँ ठीक है, नमस्ते। सर, आप लोग जा सकते हैं। एक सवाल और। आइए आप लोग। उस सुंदर को फोन करो। जी सर। क्या हुआ? स्विच ऑफ हो रहा है। उसके साथ वो दूसरा कौन रहता है? हाँ रुद्र, उसे फोन करो। करो। भाई फोन किसका है? होम मिनिस्टर सर का। जरा पास आना। क्या भाई? और आओ। क्या हुआ भाई? ये ले। मारा क्यों? फोन पे बात नहीं करना था इसीलिए तो फोन तोड़ दिया। भाई वो आपका फोन था, ये मेरा फोन है। अभी चल। निकल निकल चले भाई। सर hey, कहाँ है मेरी बेटी? है सर, मैडम जी यहाँ से भी भाग गई हैं। hey, क्या खेल खेल रहा है मेरे साथ? क्या टीवी वाले प्रेस वाले सब नाच रहे हैं? मेरी बेटी नहीं मिली तो तुम्हारी जान ले लूंगा। चुआ है, चुआ है तू। सर वो चप्पल से मारूंगा तुझे। क्या कर रहे हो तुम लोग वहाँ पर? तमाशा कर रहे हो? अगर तुमसे नहीं होगा ना तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को मेरी बेटी का फोटो दो, पैसे दो उनको। ठीक है सर, मुझे मेरी बेटी चाहिए बस। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी समझ गया सर। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो सुंदर। हमारे साहब की बेटी एक लड़के के साथ भाग गई है और वो दोनों यहीं कहीं आसपास के ही इलाके में। तुम्हें कैसे भी करके उन्हें ढूंढना है। उस लड़के को कैसे भी खत्म करके मैडम को मेरे पास ले आना। उन दोनों की फोटो मैं अभी तुम्हारे पास भेजता हूँ। ओके Thank you.
क्या चाहिए सर? मुझे फोन करना था। कर लीजिए। मधु फोन करो। कॉइन दो। ये लो। हेलो दिलीप, मधु बोल रही हूँ। हाँ मधु, कहाँ हो तुम? ये जगह कौन सी है मुझे नहीं पता, तुम कहाँ हो? मैं अभी अपने गांव की तरफ जा रहा हूँ मधु। मधु अब क्या करें? वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मधु जरा मुझे फोन देना। हाँ दिलीप, अरे मैं चीरू बोल रहा हूँ। हाँ बोलो चीरू। मैं कुछ भी करके मधु को यहाँ से सही सलामत ले आता हूँ, तुम वहाँ पे शादी का सारा अरेंजमेंट कर लेना। तो तुम एक काम करो, नंदीपुरम के पास लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी का मंदिर है, किसी से पूछो के बता देगा। मैं कल सुबह तैयारी के साथ वहाँ पहुँचता हूँ, तुम मधु को लेके वहाँ आ जाओ। ओके। क्या बात है, तुम्हारी शादी का तो अरेंजमेंट हो गया है, कल ही तुम्हारी शादी है, अब खुश हो ना? ओके अब चले। मधु कुछ पियोगी क्या? ठीक। ओके दो चाय देना भाई। जी भाई। मधु अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं। पूछो ना। तुम्हारी जायदाद कितनी होगी? 50 करोड़ होगी। 50 करोड़? अपने लवर के लिए 50 करोड़ और अपने पिता को छोड़कर आ गई? प्यार के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। दिलीप तो नसीब वाला है भाई। ठीक है, ये दिलीप क्या काम करता है? IAS की एग्जाम दी है उसने। ओह, तो उसका क्वालिफिकेशन देखकर तुमने उससे प्यार किया क्या? उसकी क्वालिफिकेशन देखकर प्यार नहीं किया है, उसकी क्वालिटीज देखकर। ऐसी क्या क्वालिटी है उसमें? दो साल पहले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या है ये? ये फूल देखकर आपको क्या लगता है? यही कि मेरी उम्र एक दिन की है, मैं मौत से नहीं डरता, हंसता रहता हूँ, बस ऐसा ही लगता है मुझे। एग्जैक्टली, यू आर राइट। इसके बारे में आपकी जो सोच है वो बिल्कुल सही है। एनीवेज बाय। तब तुम दोनों का प्यार नहीं हुआ ऐसा लगता है, तो फिर कब हुआ? बस वो फूल देने के बाद। फूल देने के बाद? मतलब फूल देने के बाद प्यार हो गया? नहीं, उसका कैरेक्टर देखकर। कैरेक्टर? एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू। आप मेरे बारे में जानते ही क्या है जो मुझे प्रपोज कर रहे हैं? होम मिनिस्टर की बेटी हो, पैसे वाली हो, दिखने में अच्छी हो, इससे ज्यादा और क्या डिटेल्स चाहिए? ये सब पता करके मुझसे प्यार किया है? गेट लॉस्ट। हेलो, तुमने मुझसे जब ये पूछा कि आप मेरे बारे में जानते ही क्या हैं, तब मैंने तुम्हें ऐसा जवाब दिया। पर अगर तुम मुझसे ये पूछती कि मैं तुम्हें प्यार क्यों करता हूँ, तो मेरा जवाब कुछ और होता। एनीवेज आई एम सॉरी। उसकी वो सारी बातें सुनकर मुझे लगा कि मुझे उससे ज्यादा प्यार करने वाला और कोई कभी नहीं मिल सकता, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। दोनों के बात करने के तरीके से लगता है कि दो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स डिस्कशन कर रहे हो। इतनी छोटी सी बात पर प्यार हो जाएगा क्या? प्यार तो किसी भी बात पर हो जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन प्यार तो कोई छोटी बात नहीं है ना। मतलब तुम्हें मेरे प्यार पर भरोसा नहीं है? तुम मेरे प्यार पर शक कर रहे हो? दोनों ही नहीं कर रहा हूँ, बस प्यार की परिभाषा बता रहा हूँ। क्या, प्यार की परिभाषा? हाँ। प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? हाँ, तुम्हारे साथ ऐसे बात करती रहूंगी तो पागल हो जाऊंगी। स्टॉप 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 स्टॉप। सर 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 सर, गाड़ी रोकिए सर सर। कोई गाड़ी नहीं रोक रहा है। स्टॉप 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 सर सर सर, गाड़ी रोकिए सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर। कहाँ जाना है आपको? नंदीपुर। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। हाय हाय हाय, प्लीज कम। थैंक यू। तुम चिरू और तुम मधु, होम मिनिस्टर की डॉटर, तुम दोनों लवर्स हो ना? यही सोच रही होगी कि हमें ये सब कैसे पता है? हाँ, ये बात सिर्फ हमें ही नहीं पूरे स्टेट को पता है। हाँ? अच्छा ये बताओ, तुम दोनों शादी कब कर रहे हो? नो 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 नो, हम मंदिर में शादी करने वाले।
आपके लव की शुरुआत कैसे हुई? आप वो सब क्यों जानना चाहती हैं? वो बहुत बड़ा मिरेकल है। वेरी इंटरेस्टिंग, जरा डिटेल में बताइए तो। जिंदगी में फर्स्ट टाइम वाटरफॉल के पास गया था, क्या अद्भुत था। अच्छा, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी और अचानक उसी समय एक दुपट्टा मेरे मुंह पर आकर गिरा। धीरे से उसे हटाकर आंखें खोलकर देखा तो सामने अप्सरा खड़ी थी। मतलब? समझ में नहीं आया। मधु खड़ी थी, उसे पहली बार देखते ही मेरा हार्ट बीट लप टप होने लगा था और मेरे हाथ में जो दुपट्टा था उसे वो ऐसे ही ले जा रही थी। उसके टच करते ही मुझे शौक लगा। स्लोली स्लोली मैं नीचे गिर रहा था और जैसे ही गिरा तो वो भाग कर मेरे पास आई और मुझे जोर से अपने बाहों में समेट लिया। एक पल के लिए मैं इस दुनिया को भूल चुका था। और बाद में लव एट फर्स्ट साइट, मैं कंप्लीट फ्लैट हो गया। ओके और फिर आपको प्यार हो गया? अरे आप भी ना, जब कोई नीचे गिरता हो ना तो कैच करके देखिए, पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ? बाद में क्या हुआ, एज यूजुअल टेम्पल रेस्टोरेंट मीटिंग डेटिंग और उसके बाद वगैरह वगैरह। क्यों, क्या हो गया? देखिए ना, ये सब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसलिए चिमटी काट रही है। बहुत ही शर्माती है बेचारी, है ना मधु? अरे ये लोग इतने प्यार से पूछ रहे हैं तो इतना भी नहीं बताऊंगा तो ये हमेशा ऐसी ही करती रहती है। क्यों मधु, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना टेंशन लेना ठीक नहीं है। अगर वो बात बता दूं तो तुम्हारा क्या होगा? वो मतलब रोमांस ना? क्यों क्यों मधु? हे मधु, हमें भी बताओ ना। यस कम ऑन, नो प्लीज, बताओ ना प्लीज, कम ऑन। मैडम, उन लोगों की जगह आ गई। तुम दोनों के एडवेंचर के लिए हैट्स ऑफ। तुम जैसे लवर्स को हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। एनीवेज, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। चलो बाय। अरे चलो ना मधु। ओके बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय टाटा, बाय बाय बाय। मधु, क्या हुआ तुम्हें? हम दोनों वाटरफॉल के पास मिले थे। नहीं मधु, इतनी हिम्मत तुम्हारी? नहीं मधु, मैं फिलिप से प्यार करती हूँ ये जानते हो ना तुम? अरे, फिर भी नहीं, बात तो सुनो। मैं तुम्हारी लवर हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तुम कह भी कैसे सकते हो? मेरी बात तो सुनो। मैंने सोचा तुम मेरी हेल्प कर रहे हो। मधु, मुझे लगा था तुम एक अच्छे इंसान हो, पर मैं बिल्कुल गलत थी। तुम हेलो मैडम, अभी आपका डांटना खत्म हो गया या कुछ बाकी है? देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग करके मुझे तुम्हारा लवर समझकर तुम्हारा बाप मुझे बहुत टॉर्चर कर रहा है। अगर मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ, दिलीप तुम्हारा लवर है ये जानने के बाद मुझे वो छोड़ देगा तो वो उसे पकड़ लेगा, और अगर उसे कुछ हो गया तो तुम किससे शादी करोगी? सोचा है इसके बारे में? जरा सोचो ठीक से। इसके वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ा, और अगर अब भी तुम्हें बुरा लग रहा हो तो आई एम सॉरी, आई एम गोइंग, बाय। चिरू। हाँ I'm sorry, Chiru. मैंने तुम्हें गलत समझा। अच्छा सोचकर ही मैं तुम्हारा लवर हूँ ऐसा कहा था, बुरा सोचकर नहीं कहा था। सबको फूल देकर हमेशा हंसो 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 कहती रहती हो ना, लेकिन जरा मेरी तरह कॉमन सेंस भी रखा करो। कुछ समझ में आ रहा है? चलो आओ। बेटा मुहूर्त निकल रहा है, बस 10 मिनट में आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। तेरी कुंडली मेरे हाथ में है, शराफत से लड़की मुझे सौंप दे। ए, इसे पकड़ कर लाओ।
मेरे बारे में मत सोचो, तुम चले जाओ यहाँ से। मुझे कुछ भी हो जाने तो परवाह नहीं, लेकिन तुम दोनों की शादी करवा के रहूंगा। चिरू चलो। दिलीप ले जाओ और मंगलसूत्र पहना दो, जाओ। शादी करने वाला ये नहीं है। ए, पहले उसे काट दो। दिलीप क्या हुआ तुम्हें, क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हो? कैसे पहनाओ इसे मंगलसूत्र चिरू? शादी होगी वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर इसके बाप ने ये कहा होगा कि मुझे खत्म करके इसकी बेटी को घर ले आओ तो क्या? प्यार किया तो अपनी जान देनी पड़ेगी। दिलीप मेरी बात सुनो, दिलीप अगर तूने शादी नहीं की तो आगे चलकर मधु की शादी किसी से नहीं हो पाएगी। जरा इसका चेहरा तो देख, तेरे लिए कितनी परेशानियां झेलकर यहां आई है। मेरे लिए मेरी जान इंपॉर्टेंट है, मेरे माँ बाप मुझ पे भरोसा करते हैं चिरू। दिलीप ये भी तो तेरे भरोसे सब कुछ छोड़कर आई है। दिलीप इसका हाथ थाम ले, दिलीप इससे शादी कर ले। दिलीप प्लीज मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज दिलीप इससे शादी कर ले। मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, कुछ नहीं होगा तुझे। दिलीप मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, दिलीप मैं कहता हूँ ना कुछ नहीं होगा, इसका हाथ थाम ले। अभी तो तू है, कल हमारी शादी हो जाएगी, उसके बाद हमें बचाएगा कौन? तेरे जितनी हिम्मत मुझ में नहीं है चिरू, प्लीज मुझे फोर्स मत कर। प्लीज दिलीप मैं ये शादी नहीं कर सकता। सही बोला, बिल्कुल सही बोला, जिंदगी से प्यार जरूरी है। देख प्यार करने वाला मैं नहीं हूँ, वो है, मैं तो सिर्फ एक दोस्त हूँ और ये बात वो होम मिनिस्टर नहीं जानता। अच्छा होगा तू साइड हट जा। देख भाई होम मिनिस्टर को ये गलतफहमी हो चुकी है कि मैं उसकी बेटी से प्यार करता हूँ और उसकी नजर में मैं एक आवारा लड़का हूँ और इसलिए उसने मुझे मारने के लिए भेजा है। ये दिलीप है और यही लड़का होम मिनिस्टर की बेटी से प्यार करता है, ये बात उसे तू फोन करके एक बार बता दे, डिटेल्स में बता दे। चुपचाप तू साइड हो जा, टेंशन मत दे। देख तुझे मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार तो कम से कम फोन तो कर दे, सिर्फ एक ही फोन कर दे प्लीज। अगर उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं तो मुझे मारकर उनके पास ले जा, लेकिन प्लीज एक बार उसे फोन कर दे प्लीज। देख मना मत कर प्लीज। बोलो सत्य। सर आपकी बेटी और लड़का दोनों मिल गए हैं। मिल गए? हाँ सर मिल गए, लेकिन आप जैसा सोचते हैं आपकी बेटी उस लड़के से शादी नहीं कर रही। ए, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ सर यकीन ना हो तो पूछ लीजिए। हेलो, हाँ सर मैं चिरू बात कर रहा हूँ, आपकी बेटी से प्यार और शादी करने वाला मैं नहीं हूँ। दिलीप है और वो कल IAS ऑफिसर बनने वाला है। मेरी बेटी की शादी वहाँ नहीं होगी, मेरी आंखों के सामने होगी और तुझे आगे रहकर इसकी शादी करवानी होगी। हाँ तू मेरी बेटी से प्यार करता है और उसे भगा ले गया है, ये सारी बातें मीडिया वाले उछाल रहे हैं और मेरी इज्जत का फालूदा हो गया है। देखो वहाँ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हें यहाँ कर बताना होगा, सबको बताना होगा। हाँ और एक बात, मेरी बेटी और उस IAS को अपने साथ लेकर यहाँ जाओ। हाँ आ जाओ। हाँ ओके सर। दिलीप तुम दोनों की शादी के लिए इसके पापा मान गए हैं। सच में? हाँ दिलीप मैं बहुत खुश हूँ दिलीप, पता है मैं सच में बहुत खुश हूँ दिलीप। मधु तुम्हारी शादी के लिए तुम्हारे पापा मान गए हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्ग्रेट्स। दिलीप मुझे कितनी खुशी हो रही है पता है? Woo! I'm the most happiest man in the world. Yay! Woo-hoo! वो लड़की होम मिनिस्टर की बेटी है ना? हाँ यहाँ क्यों खड़ी है वो? बेचारी कल उसकी शादी रुक गई।
क्या बात कर रही हो, क्यों? वो एक लड़के के लिए अपना घर बार सब छोड़कर निकल गई थी और उस लड़के ने डर के मारे इस लड़की से शादी करने के लिए मना कर दिया। अब उसके साथ ऐसा हो गया तो बताओ कौन इसे अपने घर की बहू बनाएगा, कैसे इसे कोई रखेगा। बहुत बुरा हुआ। मधु ये लो कुछ खा लो ना। मुझे नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ठीक है, बैग में रखा है, जब भूख लगे तब खा लेना। अच्छा ये दिलीप कहाँ चला गया? पता नहीं, यहीं कहीं गया होगा। अच्छा पांच मिनट यहीं रुकना, मैं उसे लेकर अभी आता हूँ। ओके। मधु कहो क्या बात हुई, कल जो हुआ उसके बारे में सोच रही हो क्या? नहीं दिलीप। तुम क्यों कुछ सोचोगी, तुम्हारे डैड तो एक नंबर के खिलाड़ी है ना। कल मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूँ तो ये सुनते तुम्हारे डैड मान गए? सब अच्छे के लिए ही होता है, भगवान तू बहुत बड़ा है, मुझे खुशी हो रही है। मधु मधु दिलीप पहले दोनों गाड़ी में बैठ जाओ। चिरू क्या हुआ, इतनी अर्जेंसी क्यों दिखा रहा है यार? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, तुम दोनों पहले गाड़ी में बैठ जाओ। चलो हे चिरू, चलो मधु जल्दी आराम से बैठ जाओ। चिरू क्या है ये सब, व्हाट्स हैपनिंग? देखो माहौल बहुत ही खराब है यहाँ, हर कोई तरह तरह की बातें करता है और तुम दोनों का मूड भी खराब है। तुम लोग आगे निकलो, मैं पीछे आकर ज्वाइन होता हूँ। चलो अगर तुम बोल रहे हो तो ठीक ही है। एनीवेज थैंक्स अ लॉट यार। इट्स ओके, ड्राइवर जाने दो। बाय बाय। माँ जी हाँ? दो चाय देना। हाँ देती हूँ, बैठो। हाँ, हाँ। चाय। ये वाली चाय कैसे दूँ? मैंने तो एक ही कहा था। आप ही ने तो दो चाय मांगी थी। मधु कुछ पियोगी क्या? जी। ओके दो चाय देना सर। दीजिए माँ जी। अच्छा ये बताओ प्यार के बारे में तुम इतना सब कुछ कैसे जानते हो? देश में घूमकर जनता को पहचानो, पढ़ाई करके बुद्धि को पहचानो, ऐसे बड़े लोग कहते हैं, मैं उसी बात को फॉलो कर रहा हूँ। तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है? एमए हिंदी। तुम किसी से प्यार करते थे क्या? बचपन में मैंने माँ पापा को खो दिया था, अनाथ आश्रम में पला बढ़ा हूँ, बहुत ही मुसीबत भरी जिंदगी जी है, इसलिए प्यार के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर भी मेरी एक आशा तो है। क्या? सारे लोग प्यार करके शादी करते हैं लेकिन मैं शादी करके प्यार करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी शाहजहां की तरह अपनी बीवी के लिए एक सुंदर ताज महल बनाना चाहता हूँ, यही मेरी आशा है। कितना अजीब है ना? क्या? एक दिन पहले यहाँ से तुमसे शादी करने के लिए चिरू के साथ मंदिर आ रही थी और आज तुम्हारे साथ यहाँ से जा रही हूँ। मधु तुम फ्यूचर के बारे में सोचना छोड़कर जो हो गया है उसके बारे में क्यों सोच रही हो? जानी बहुत बोरिंग लग रही यार, कोई सीढ़ी तो चला दो। कोई सीढ़ी नहीं है सर। कोई सीढ़ी नहीं है तो फिर क्या है? एफएम है सर। La
क्या बात हो गई? पता नहीं सर, देखता हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी देखो। क्या हुआ, कुछ तो बोलो। पंचर तो नहीं हो गया? देखता हूँ सर। सर गाड़ी पंचर हो गई है सर। ठीक है, तो स्टेपनी लगा लो। स्टेपनी नहीं है सर। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? म्यूजिक के लिए तुम्हारे पास सीडी नहीं है, पंचर हुआ तो स्टेपनी भी नहीं है। ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? आधे घंटे में पंचर बनवा के आता हूँ सर। मधु उतरो, हम चलते हैं। प्लीज मेरी बात समझिए सर, मेरी पगार कट जाएगी सर, प्लीज सर। तो फिर मैं क्या करूँ, गरीब आदमी हूँ सर। सर प्लीज सर सुनिए तो। हेलो हेलो, लिफ्ट प्लीज, लिफ्ट सर, स्टॉप सर, लिफ्ट प्लीज, प्लीज सर, प्लीज लिफ्ट सर, प्लीज सर, सर प्लीज सर। स्टॉप 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 प्लीज, स्टॉप प्लीज। अरे गाड़ी रोको, वो लोग मेरे दोस्त ही हैं। प्लीज स्टॉप, प्लीज प्लीज कम। हे दिलीप, मधु, तुम ऐसे चल के क्यों आ रहे हो? ऑल थैंक्स टू यू, तूने जो गाड़ी भेजी सब उसी की वजह से हुआ है। क्यों, क्या हुआ? होना क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। म्यूजिक के लिए उसके पास सीडी नहीं थी, पंचर हो गया तो उसके पास स्टेपनी नहीं थी, बस इसलिए चलकर आ रहे हैं। ठीक है जो भी हो, लेकिन तुम दोनों मुझे मिल तो गए। चलो जल्दी बस में चलो। हाँ हाँ चलो जल्दी संभल के। इफ यू डोंट माइंड, आप पीछे की सीट पर बैठ सकते हैं, ये दोनों यहाँ पे बैठ जाएंगे। जी जी ठीक है, थैंक यू, जाऊंगा। दिलीप बैग देना इधर। मधु बैठ जाओ, दोनों आराम से बैठना। ओके ओके। किसी को कुछ खाना पीना है तो खा लो, गाड़ी आधे घंटे रुकेगी। मधु कहाँ है? यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी? I don't know। ठीक है तुम ऑर्डर करो, मैं जाकर लेके आता हूँ। ओके वेटर। यहाँ क्या कर रही हो मधु? वहाँ बोर हो रही थी इसलिए यहाँ चली आई। तुम मुझसे ही झूठ बोल रही हो क्या? कल जो हुआ था उसी के बारे में सोच रही हो ना तुम? Am I correct? ऐसा कुछ नहीं है। वो सब मैं जानता हूँ। देखो मधु, पुरानी बातों को भूल जाओ और आगे जो होने वाला है उस जिंदगी के बारे में सोचो। चलो यहाँ से। चिरू, क्या हुआ मधु? मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी तो तुम जवाब दोगे? हाँ पूछो। दिलीप मुझसे शादी करने वाला है, इसकी वजह उसका प्यार है या फिर तुम?
तो गोली मार दूंगा। आजा 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 निकाल ले जोर कर दे। भाई इधर आ यार, होम मिनिस्टर की बेटी है, उस दिन टीवी पे देखा था ना। आज तो हमें खजाना मिल गया। ए, ले चल इसे, ले चल। ए, प्लीज डोंट डू दिस। ए, छोड़ो। चल 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 बस। चल चल Who can you call? Who can you call?
तुम पे हाथ उठाएगा वो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अरे तुम्हें कैसे कोई छू सकता है? ये मुझसे सहन नहीं होगा मधु। It's okay. Hey, क्या हुआ? अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है सर। सर क्या हुआ? सर हमें अभी अभी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है, आपकी बेटी और वो लड़का दोनों सेफ है सर। आप सच कह रहे हैं? यस सर, उस लड़के ने डकैतों को मारकर आपकी बेटी को बचा लिया है सर, और थोड़ी देर में ही वो लोग यहाँ पे आ जाएंगे सर। वेरी गुड वेरी गुड। प्रेस वाले तभी आए हैं ना? हाँ आए हैं सर। हाँ, आ रहे हैं। चलो 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 चलो, तुम भी चलो आ जाओ। जी सर। पापा। मधु मधु तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना? नहीं पापा। हा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगवान थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। हाँ चलो 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 बेटी चलो चलो आइए 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 आइए। आप सभी चैनल और न्यूज वालों ने पिछले 3 दिनों से मुझे और मेरी बेटी को मालूम है कितना परेशान करके रख दिया था। हाँ देखिए, ये मेरी बेटी का फ्रेंड है, फ्रेंड, और ये मेरी बेटी से शादी करने वाला फ्यूचर दामाद आईएएस ऑफिसर है। सॉरी सर। क्या सॉरी? क्या सॉरी? आप सबको नमस्ते, जाइए यहाँ से। अब ओके जाइए जाइए। चलो चलो। रियली सॉरी। ये लोग, तुमने मेरी इज्जत बचा ली बेटा, मेरी बेटी को बचाया, मगर मैं तुम्हें अपनी बेटी का लवर समझता रहा और बहुत परेशान किया तुम्हें। आई एम सॉरी। ठीक है सर, कोई बात नहीं। क्या देख रहे हो? हाँ? तुम्हें दामाद बना रहा हूँ इसकी वजह से। देखो बेटा, अगर प्यार किया है तो भगा कर ले जाना जरूरी है क्या? प्यार किया है तो पहले माँ बाप को बताना चाहिए, उसके बाद शादी करनी चाहिए। उस दिन ये मंदिर में नहीं होता तो पता है क्या होता? हाँ? कुछ सीखो इससे। तुमसे शादी करने वाली लड़की वाकई बहुत खुशनसीब होगी। सर टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ सर। तुम यहीं रहोगे और इन दोनों की शादी करवा कर जाओगे? नहीं सर, मुझे एक जरूरी काम है सर। ठीक है बेटा। थैंक यू सर। दिलीप, मधु बहुत अच्छी लड़की है, इसका ख्याल रखना। Wish you happy married life. Thanks. All the best. फिर
सिर क्यों झुका रहे हो बेटा? तुमने ऐसा कोई गलत काम तो नहीं किया है ना? थोड़ी देर पहले पता चला कि मेरी बेटी के दिल में क्या है। मधु, 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 बेटा ऐसे रोती रहोगी तो मुझे कैसे समझ आएगा? क्या हुआ है बोलो तो सही। तुम्हें ये शादी नहीं करनी है क्या? बताओ बेटा, क्या हुआ है मधु? तुम्हें ये रिश्ता नहीं पसंद क्या? नहीं माँ, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो बेटा? मैं चिरू से प्यार करती हूँ माँ। मधु, यही सच है माँ, पता नहीं कैसे पर मैं चिरू से प्यार करने लगी हूँ माँ। मैंने इस बारे में उसे कुछ नहीं बताया, अगर उसे बता दी तो वो मुझसे नफरत करने लगेगा माँ। अब मैं क्या करूँ माँ? क्या मैंने कोई गलती की है? नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। गलती है तो सिर्फ तेरे पापा की। आदित्य शास्त्री की बताई हुई बात को मानकर तुम्हारे पापा उसे ही तुम्हारा प्यार समझ बैठे। अनजाने में ही सही, पर तुम दोनों के मिलने में उन्हीं का हाथ है। तुम्हारे पापा को शक था कि वो तुम्हारा दोस्त बनकर तुमसे प्यार करने लगा है बेटा। इसीलिए इतना कुछ हुआ। तुमसे शादी करने वाला लड़का ऐसा ही मर्द होना चाहिए जो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए। पहली बार तुम्हारे पापा के मुंह से किसी लड़के के लिए तारीफ निकली है, तो अगर वो तुम्हें पसंद आ गया तो इसमें कुछ गलत नहीं बेटा। जिस लड़के ने डर के मारे तुमसे शादी नहीं की, वो जिंदगी भर तुम्हारा साथ क्या देगा? तुम्हें क्या खुश रखेगा? देखो मधु, अगर तुम खुश रहना चाहती हो तो अपने पापा के बारे में बिना सोचे यहाँ से निकल जाओ। एक बार मैं उन्हें सबके सामने शर्मिंदा कर चुकी हूँ, अब दूसरी बार मैं वही गलती नहीं दोहराना चाहती माँ। पापा ने चिरू से कहा तुमसे शादी करने वाली लड़की बहुत ही नसीब वाली होगी। वो नसीब वाली लड़की मैं नहीं हूँ माँ। हो जाएगा मधु। हाँ? मधु, तुमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि तुमने जो एक गलती पहले की है वो दोबारा नहीं करना चाहती हो। मैं छोटा बन गया बेटी, मैं बहुत छोटा बन गया। सॉरी बेटा। पापा। मुझे उस लड़के से कोई नाराजगी नहीं बेटा। मैंने जब पहली बार उस लड़के को देखा तो उसकी हालत देखकर मैंने ऐसा किया। ए, मधु, मधु, बच्चे हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, यही चाहते हैं ना हर माँ बाप? यही चाहते हैं। और तुम अपने पिता के बारे में इतना सब कुछ सोचती हो तो मैं तुम्हारे लिए इतना भी ना करूं तो मेरे जीने का क्या फायदा होगा? चलो बेटा, मैं उसके पैर पकड़कर तुम्हारे साथ उसकी शादी करूंगा। रो मत बेटा। एक दोस्त बनकर तुमने उसे इतने दिनों तक बचाए रखा, अब आगे एक पति की हैसियत से तुम उसकी रक्षा करोगे। सर। हाँ चिरू, मैंने मधु को हमेशा बीवी के रूप में ही सोचा है, लेकिन मैं उसका पति बनने के लायक नहीं हूँ। तुम दोनों फ्रेंड्स ही रहना चाहते थे, मगर
मधु तुमसे प्यार करने लगी है उसे मना मत करना। हर किसी को प्यार नहीं मिलता, उससे शादी कर लो। लड़की का पता चल गया। एक्सीडेंट एक्सीडेंट, जल्दी आइए, एम्बुलेंस बुलाइए, किसी बड़े हॉस्पिटल में ले चलिए, जल्दी आइए, एक्सीडेंट हो गया, जल्दी आइए। पापा कुछ नहीं बेटी, हुआ है। तुझे कुछ नहीं पता, ये अंदर की चोट है। क्या हो गया, क्या गड़बड़ हो गई? सुनामी आ गई है। अरे तुम लोग फाइटर हो ना, कोई हीरोइन को इतनी बुरी तरह दौड़ाता है क्या? सर कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, शॉट तो ओके था, बिल्कुल नेचुरल था, एक्सीलेंट। सर अपनी फिल्म के लिए आपकी बेटी से डेट लेने के लिए मैं सुबह से बैठा हुआ हूँ, आप हाँ कर देंगे तो मेहरबानी होगी, 5 लाख रुपए देने को तैयार हूँ। ध्यान से सुनो, इस फिल्म के रिलीज होने के बाद मेरी बेटी की फीस 10 लाख होगी, अभी एडवांस दोगे तो 5 लाख होंगे, और हाँ उससे एक पैसा कम नहीं लूंगा। तो फिर मैं चलता हूँ सर। तो अब तक बैठे क्यों, जाओ ना। ए प्यारो, सर तुझे एक बहुत ही जरूरी काम करना है। फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरोइन शैलजा का बहुत बुरा एक्सीडेंट होते होते बचा, ये न्यूज मुझे फ्रंट पेज के ऊपर चाहिए। ये न्यूज फ्रंट पेज पर नहीं छप सकती सर। तो छपवाओ, तुम्हें नौकरी किस लिए दी मैंने? सीकर जी, कल शूटिंग आउटडोर है रामेश्वरम में, क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स सॉन्ग का रिहर्सल वहाँ नहीं कर पाएंगे, आज रात यहीं कर लेते हैं। अरे सुबह से दौड़ दौड़ कर थक गई है, रिहर्सल नहीं कर पाएंगे। आपसे रिहर्सल नहीं कराना है, आपकी बेटी कर ले काफी है। ये मजाक था क्या, कोई रिहर्सल नहीं होगी। सर स्टडी कम का पैकअप कर दे क्या? हाँ तुम लोग का पैकअप। ओके सर, थैंक यू। तो क्या कह रहे थे? मैं रेडी हूँ। एक मिनट मैडम, कल हम क्लाइमेक्स सॉन्ग करने जा रहे हैं, आउटडोर है, क्राउड भी है, रात में रिहर्सल होता तो अच्छा होता, लेकिन ये मना कर रहे हैं। रात में रिहर्सल किसी और से करवा लो, मेरी बेटी बुरी तरह से थक गई है, हम रेस्ट करने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। लो देखा तुमने, डायरेक्टर साहब। हाँ? मैं करूंगी, आप डांस असिस्टेंट को भेज दीजिए। थैंक यू। ए मास्टर को बोलो आज रिहर्सल है। सुनो, पहले प्रोड्यूसर के घर जाकर बिरयानी लेकर आना, उसके बाद डांस असिस्टेंट को पिकअप करना, समझे? अरे तुम बाहर क्यों खड़ी हो, आज टीवी पर कोई सीरियल नहीं आ रहा है क्या? देवा भाई मुझे थोड़ा वक्त और दे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। हेलो, मैं सुंदर मूर्ति बोल रहा हूँ सर। बिरयानी भेज तो दी। वो बात नहीं है सर, देवा भाई मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अरे बाप रे, क्या कह रहे हो तुम? मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। ए पुलिस के पास मत जाना, बाहर पता चला तो फाइनेंसर फिल्म रोक देगा और पैसे नहीं देगा हमें। हाँ होम मिनिस्टर को मैं अच्छी तरह जानता हूँ,
उनसे बात करके मैं मदद मांगता हूँ। फिल्म वाले अगर पूजा के लिए बुलाते तो आ जाता, क्लैप मारकर फिल्म का मुहूर्त करने के लिए बोलते तो भी आ जाता, फिल्म को कोई अवार्ड देना हो उसके लिए बुलाओ तो भी मना नहीं करूंगा, लेकिन इस देवा के पछड़े में मुझे बिल्कुल नहीं पड़ना है। होम मिनिस्टर होकर आप ऐसा तो मत बोलिए। उसके पछड़े में पड़ा तो होम मिनिस्टर नहीं रहूंगा, होम पे बैठ जाऊंगा, नहीं समझे, घर पे बैठ जाऊंगा। और सुनो, पूरा का पूरा एरिया उसके हाथ में है, उसके सपोर्ट के बिना पूरे एरिया में एक भी वोट हमें नहीं मिलेगा। पर सर मेरी बेटी का क्या होगा? तुम चार दिन शांत रहो, वो अपने आप आ जाएगी। सर वो मेरी बेटी है। ये बात तुम्हें पंगा लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। उसे मैंने बहुत बड़ा स्टार बनाने का सपना देखा है सर। मैंने भी सपना देखा था सीएम बनने का, पीएम बनने का जी, लेकिन क्या हुआ? देखो असेंबली जाने का टाइम हो रहा, मैं चलता हूँ। सर मेरी बेटी का क्या होगा? सर प्लीज सर बचाइए सर। सर सर ये क्या कर रहे हैं सर? ऐसे मत जाइए सर, छोड़ के सर। सर सर अरे इन्होंने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। आपने कहा था कि आप मिनिस्टर को जानते हैं, पर क्या मिनिस्टर आपको जानता है? अब मेरी बेटी को कौन बचाएगा? क्या तुम तो बहुत बड़े तोरम खा हो, खुद जाकर बचा लो। बाप रे, देवा मुझे जिंदा दफना देगा। हे ऊपर वाले, अब मेरी फिल्म कैसे पूरी होगी ऊपर वाले? हे भगवान, बस अब तुम पर ही भरोसा है। ए अर्जुन, अर्जुन बोलिए चाचा जी। तुम इतनी ऊंचाई पर क्या कर रहे हो? अरे वो सब छोड़ो, इस उम्र में आपको घर में होना चाहिए, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो? देख बेटा, मेरी उम्र की बात मत कर, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा। ये जो मेरा शरीर है ना, चट्टान है ये, तुम्हारी तरह मैं भी चढ़ सकता हूँ। अरे वो सब बाद में देखेंगे, मुझे अपना काम करने दो। अरे टिफिन देना अर्जुन। हाँ। सब जगह बम लगा दिए क्या? हाँ लगा दिया, 200 बम है, एक एक करके फटेंगे। ठीक है, मैं सायरन ऑन करके। हाँ। आता हूँ। चाचा जी नहीं आए? नहीं आए। नहीं आए, वहां से तो निकल गए थे। आ रहे होंगे। अच्छा मैं ब्लास्ट स्विच ऑन करके आता हूँ। चाचा जी बात क्या है, जवाब ही नहीं दे रहे। सुनाई नहीं दे रहा है? चाचा जी हे चाचा जी नीचे रह गए हैं। अरे क्या हुआ? चाचा जी नीचे रह गए हैं। अर्जुन का ब्लास्ट शुरू हो गया है। हे तू आ नहीं जाएगा। अर्जुन के तीन वॉल में सीवियर ब्लॉकेज है, जितनी जल्दी हो सके बाईपास करना जरूरी है, क्योंकि अब ये कोई और अटैक नहीं झेल सकते हैं। कितना खर्चा होगा? 3 लाख। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं डॉक्टर, आप ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं।
चाची। अर्जुन, डॉक्टर ने क्या कहा? सब कुछ ठीक है, एक छोटा सा ऑपरेशन करना है बस। ऑपरेशन? कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? अरे डॉक्टर साहब से मेरी बात हो गई है, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जाइए चाचा जी के पास, रुकिए। ठीक है। इनके तीन वॉल्व में सीवियर ब्लॉकेज है, जितनी जल्दी हो सके बाईपास करना जरूरी है, क्योंकि अब ये कोई और अटैक नहीं झेल सकते हैं। कितना खर्चा होगा? 3 लाख। अर्जुन, हम पहले भी मिले थे, मैं वही प्रोड्यूसर हूं, याद आया? तो बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? बताना तो है, पर समझ में नहीं आ रहा कहां से शुरू करूं। कोई बात नहीं, बोलिए। जानते हो वो देवा है ना, वो शैलजा को उठा कर ले गया। जानते हो मेरे फिल्म का क्लाइमेक्स लटका हुआ है, मेरा बहुत नुकसान हो रहा है। होम मिनिस्टर से भी बात कर ली लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अगर तुम कुछ मदद कर दो तो। ये थी तुम्हारी जरूरी बात? कोई किसी को भी उठाकर लेके जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी को बचाऊंगा नहीं, मेरा शैल जैसे कोई नाता नहीं, समझ गए? तुम हो? क्यों, तुमने तो कहा था कि ये उसे बचा कर ले आएगा। ये तो उसके नाम से आग बबूला हो रहा है, अब उसे कौन बचाएगा? बचाएगा, देखना यही बचाएगा, क्योंकि मेरी बेटी इसकी जान है। तो क्या फैसला किया तुमने? शैलजा को तो मैं उसकी कैद से छुड़वाऊंगा। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। पैसा चाहिए? ये तुम क्या कह रहे हो, पैसा तो मैं तुम्हें दे दूंगा, कितना चाहिए बोलो। तो उसको छुड़वाने के बाद ही बताऊंगा। एक सिगरेट देना। सर सिगरेट। सर सर, मुझे डरा रहे हो क्या? अब जाकर याद आई है तुम्हें मेरी? मुझे छूकर निकलने वाले तुम मेरे अकेले फ्रेंड हो, इतने दिनों से मुझसे मिलने की जरूरत भी नहीं समझी ना? अब तुम आ गए हो ना, जल्दी जाने की मत सोचना। अब तो तुम आ गए हो ना, तो फिर ये लड़ाई कैसी? छोड़ो। अभी कहा था ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? हमेशा अपनी मनमानी करते हो, थोड़ी देर और रुक जाते तो क्या हो जाता? Thank you.
क्या हुआ? भीग गई? ये लो पोछ लो, सर्दी हो जाएगी। गंगई कोंडा, ट्रेन तो यहाँ पर नहीं रुकती है, फिर क्यों रुक गई? पता नहीं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और लकी अंगूठी है, इसे खो मत देना। तुम्हारे पिताजी ने यही एक सोने की चीज दी है, संभाल के रखो, खो मत देना इसे। यहाँ ट्रेन क्यों खड़ी है? सर आगे ट्रैक में प्रॉब्लम है, 2 घंटे और लगेंगे, तब तक आप मेरे रूम में बैठ जाइए। दिखता नहीं क्या? सर पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है। चाचा को फोन करके पूछो पिताजी की तबीयत कैसी है, वहां से गाड़ी भेजने बोलो और उनसे कहो फिक्र मत करें, हम जल्दी पहुंच रहे हैं, ट्रेन की वजह से लेट हो गए हैं, अब जल्दी चलो। प्लेटफॉर्म पर परेड कर रहा है, आखिर कौन है ये दिखावा करने वाला आदमी? ओ जरा धीरे बात करो, वो देवा भाई हैं, यहाँ पर इन्हीं का राज चलता है, किसी ने कुछ बोला तो बोलते कुछ नहीं है, सीधे गर्दन उड़ा देते हैं। अरे बारिश, कहाँ चली? माँ बारिश आ रही है, जाने दो ना। फिर से भीगने जा रही है, तेरे पिताजी चिल्लाने लगेंगे। वो नहीं आने वाले माँ, इस वक्त बहुत बिजी हैं। वो देखो वहाँ। अरे रही थी ना, झूठ मत बोलो। देखो छींक रही हो, बारिश में भीगोगी तो जुकाम हो जाएगा, रुको मैं दवाई देता हूँ, मेडिसिन ले लो। मुझे बारिश में भीगने से कुछ भी नहीं होता। तुम्हें पता नहीं, देखो छींक के बाद सर्दी निमोनिया खांसी कुछ भी हो सकता है, दवाई ले लो। मुझे बारिश में भीगने से कुछ भी नहीं होता। तुम कोई वाटर प्रूफ वाली वॉच हो क्या? रेन प्रूफ। मेरी बात मानो, ये दवाई ले लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। सुनिए, आपने मेरे पति को देखा क्या? नहीं मैंने तो नहीं देखा। ए पिताजी कहाँ गए? पता नहीं माँ। ट्रेन जल्दी है, वहीं कहीं बैठकर ताश खेलने में मगन होंगे, जाकर देख। हाँ। जा जा। यहाँ किसे देख रही हो? पिताजी नहीं, तुम्हारे पिताजी नहीं आए? तुम हटो, मैं देखता हूँ, हटो। तुम्हारे पिताजी देखने में कैसे हैं? मेरे दादाजी की तरह। ओ, अरे दादा की तरह? मैंने उन्हें थोड़ी ना देखा है। काले लंबे से। ठीक है तुम रुको, मैं देख के आता हूँ। वहाँ पूछो। अरे भाई किसी काले लंबे बाल वाले आदमी को देखा है? नहीं देखा। तुम अंदर जाओ, मैं देख के आता हूँ। अरे भाई किसी लंबे बाल वाले आदमी को देखा है क्या आपने? नहीं जी। अरे नहीं क्या यार? सुनो, क्या जल्दी आओ, ट्रेन छूट रही है। अरे यहाँ वो नहीं है, मैं पीछे देख के आता हूँ, ठीक है? अरे भाई किसी लंबे बाल वाले आदमी को देखा है क्या? वहाँ उनसे पूछो। रुको रुको रुको, एक आदमी ट्रेन में चढ़ा नहीं है। पिताजी कहाँ
रुक जाओ, वो झंडा दो मुझे। सुनो, पापा ट्रेन में ही हैं। अरे रुको तो। तुम भी जल्दी से चढ़ जाओ। तुम टेंशन मत लो, मैं गाड़ी रोक दूंगा, टेंशन मत लो। पिताजी ट्रेन में ही हैं। क्या, पिताजी ट्रेन में हैं? अरे बाप रे। तबीयत कैसी है आपकी? सब लोग जरा बाहर चले जाओ, मैं अपने बेटे से अकेले में बात करना चाहता हूं। तुम भी जाओ शंकर। भैया बोला ना जाओ। देवा, मौत मुझे सामने नजर आ रही है। पैसा कमाने के चक्कर में आज तक मैंने ना जाने कितना खून खराब किया है। जिंदा रहने पर परछाई हमारे साथ चलती है, लेकिन मरने के बाद हमारे साथ जाते हैं हमारे पाप और हमारे पुण्य। तुम मेरी तरह कभी पाप मत कमाना, खासकर औरतों की बददुआओं से खुद को हमेशा बचा कर रखना। पार्वती से मेरे संबंध थे, लेकिन उसके बेटे काशी को कभी बेटे का दर्जा नहीं दिया, और आज उन्हें अनाथ छोड़कर जा रहा हूं मैं इस दुनिया से, इस जघन्य पाप का प्रायश्चित करने के लिए। अपनी जायदाद का आधा हिस्सा काशी को देने का फैसला किया है। तुम भी मेरे इस फैसले को मानोगे तो मुझसे वादा करो। ऐसे क्या देख रहे हो बेटा? एक रखेल का बेटा और मैं कभी एक नहीं हो सकते। ओहो, इतनी जल्दी चले जाएंगे सोचा नहीं था। वो खुद नहीं गए, उन्हें इसने भेजा। कोई बात नहीं, राजा की तरह जिए और राजा की तरह ही मरे। कुत्ते की मौत मरे हो। सुनो, हमारे जो लोग जेल में बंद हैं उन्हें कब बाहर निकलवाना है ये हमें बता दो। मुझे लगता है कि यही सही समय है, बाकी जैसा आप सोचो। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, फिर बात करूँगा आपसे, चलता हूँ। वो औरत तुम्हारी छोटी माँ है और वो उसका बेटा। छोटी माँ। हाँ? छोटी माँ, ये मेरा भाई है, रात से ये मेरे साथ रहेगा और आप भी। भाई, तुम मेरे पिताजी के खून हो, किसी की गुलामी नहीं करोगे। आओ, पिताजी का आशीर्वाद ले लो।
है तो ये आधी जायदाद का मालिक, लेकिन तू किसी की गुलामी नहीं करेगा कहकर इसे अपना गुलाम बना लिया। नमस्ते भाई। ओम श्री गणेशाय नमः। हाँ बोलिए जी। भाई साहब 50 रुपए का पेट्रोल ठीक है और बिल कल बना देना। बिल कल बना दूं? कौन हो तुम? मैं तो रोज ही आता हूँ ना। रोज तो हजारों लोग आते हैं, मैं तुम्हें कैसे याद रखूंगा? तो शक्ल देख ली, अब याद रख लेना। अरे हटा पहले, नीचे रख। उधार नहीं है, पैसे है तो डलवाओ नहीं तो निकलो। उधार नहीं मांग रहा हूँ मैं, तो कह रहा हूँ जो बचा हुआ पेट्रोल है वो दे दो। भैया वो देखो वो आदमी क्या कर रहा है वहाँ पर, बोतल को चाकू की तरह निकाल रहा है। अरे ये कर क्या रहा है? अरे बाप रे, अरे क्या कर रहा है तू भाई, क्या कर रहा है? आग लगाऊंगा। आग लगाएगा? लगा ले, तेरी किस्मत में मरना लिखा होगा तो मरेगा। ऐसे नहीं मरूंगा, आग लगा के सीधा तेरे पेट्रोल पंप में घुसूंगा। मेरे पेट्रोल पंप ने क्या बिगाड़ा भाई? या तो विश्वास से जियो या विश्वास करके जियो, ये दोनों ही तुम्हारे पास नहीं है, तुम दोनों के जीने का क्या फायदा? तुम अपने साथ मुझे क्यों लपेट रहे हो? लड़ाई हम दोनों के बीच ही तो है। अरे भाई तुमने उधार मांगा, मैंने मना कर दिया, उस पे लड़ाई क्या करनी? लड़कर ही तो कुछ हासिल होता है। देखो भाई, इस पेट्रोल पंप के मालिक ने मुझ पे भरोसा करके इस पेट्रोल पंप की जिम्मेदारी मुझे दे रखी है, मेरी जिंदगी तबाह मत करो। उसके लिए 5,000 लगेंगे। उधार तो तूने 50 मांगा था। पैसे नहीं दिए तो आग लगा दूंगा। ये 10, 20, 30, 40, 50 ले रख ले, ये ले। ये भी इधर ले। अरे ये क्यों? बकवास करेगा तो आग लगा दूंगा। ये क्या गुंडा कर दी है? वही समझ, ऐसे तो बराबर है ना, गिन के रखे थे। अरे मैं विश्वास पर जीता हूँ। अरे ये रख। ये क्या है? मेरे साले के पास सेठ रखे, वो हर महीने यहाँ आएगा, टैंक फुल कर देना। हाँ मैंने तो सिर्फ नाटक ही किया है, लेकिन वो ट्रक समेत पूरे पेट्रोल पंप को आग लगा देगा और तुझे गले लगा के वो तुझे भी खाक कर देगा। मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। ये क्या कह के गया? मैंने ऐसे कौन से बाप दिए? एक तुझे पैसे लेके गया, ऊपर से इसका साला भी आएगा। आने दो, ट्रक के साथ ही आग लगा दूंगा। लगता है हुआ क्या? वो मुझे बेवकूफ बना के पैसे ले गया और तुम लोग यहाँ बैठे बैठे तमाशा देख रहे थे, शर्म नहीं आती? अर्जुन, ए देखो अर्जुन आ गया। हाय अर्जुन, तू इंटरव्यू पे गए थे ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बाप रे, लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। क्या बोल रहे हो? हाँ, अगर सब लोग नौकरी करने लगेंगे तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं तो अकेला हो जाऊंगा ना। अरे रुको, अरे लगता है ये किसी लड़की के होठों के निशान है। लड़की आजकल दिल पे भी किस करने लगी है क्या? मिस हो गई यार, मिस हो गई। बड़ा दुख हो रहा है, इतनी सुंदर थी क्या? अरे सच में वो अप्सरा जैसी थी। अरे उसके पिता पता नहीं कहाँ मंदिर में सर बट के होंगे, ये बोल रहा हूँ। हाँ बोल भाई, बिना नाम पता जाने चले आए क्या? पता ही नहीं कर पाया यार, तो क्या करेगा अब तू? कुछ सोचा? कुछ भी पता करने के लायक तू है? अरे लड़के को डिस्करेज क्यों कर रहे हो, एनकरेज किया करो ना। हाँ तो बोलो सलीम। अर्जुन सर, अनारकली को ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हारा नाम सलीम हुआ है? कौन ये जो ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे? आप शगुन की बात कर रहा है ये? वो मिस होगी तो आप सब क्यों होते हो? ढूंढो उसे, ढूंढो, जब तक नहीं मिलती तब तक ढूंढते रहो। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता, फिर वो तो लड़की है। उपदेश झाड़ रहे हो, कौन हो तुम? सुंदर मूर्ति, मेरे गांव में मैं बहुत फेमस हूँ और यहाँ काम से आया हूँ। यहाँ सासू माँ का घर है ना, तो सोच रहा हूँ यहीं सेटल हो जाऊँ। फ्री का खाने वाला है इसीलिए इतना बोल रहा है। अरे सुनो, यहाँ पे ताश खेलने वाला अड्डा कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, जब तक ना मिल जाए ढूंढते रहो, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। ये डायलॉग तो मेरा है। तेरा ना मेरा, 65 रुपए निकाल। ये लो पैसे और बाकी 5 चिप रख लेना। अरे ये तो सिर्फ 60 रुपए है, ये तो होना ही था। अरे सिर्फ नाम का ही दामाद है, इससे अच्छा होता कि किसी सर्कस वाले से शादी करा देती। हर जगह उधार मांगता फिरता है, एक शहर में एक महीने से ज्यादा टिकता नहीं, जुआ खेलता है, दारू पीता है, उधार लेता है और लोग जब पैसे वापस मांगते हैं तो भागकर यहाँ आ जाता है। इज्जत मिट्टी में मिला दी है, आखिर ये कब तक चलेगा? उधार देने वाला कोई इसके हाथ पैर भी तो नहीं तोड़ता। नानी आप जानती है ना वो कैसे है, छोड़िए ना। हाँ बेटी, तुझसे पहले ये बचाव करती थी, अब तू पता नहीं कब आता है कब जाता है। लो मैं आ गया। सासू माँ आप मेरी ही तारीफ कर रही थी ना, मत कीजिए नजर लग जाएगी। लगे तो सही, इसमें मेरी क्या गलती है? सारे लोग बेईमान है, कोई मुझे उधार नहीं देता और जो देता है वो फिर वापस मांग लेता है, इसलिए और कोई चारा नहीं था। सासू माँ पता है मैं आपके पास क्यों आया? आप उधार तो देती नहीं है, दे दिया तो मांगती नहीं है, और मांगती भी है तो मैं नहीं देता। बातें बनाना जानते हो, बेटी शादी के लायक हो गई है। मेरी बेटी राजकुमारी है, इसे लेने कोई राजकुमारी आएगा देखना। इस शहर को अपने नाम करके मैं यही शादी करवाऊंगा। मैं तो शहर शहर बीनता हूँ, ये देखो आपकी बेटी क्या बीन रही है, कंकड़। चल चल। हे भगवान, कैसा बाप है तेरा, देख तुझे ढूंढता हुआ कोई राजकुमार नहीं आने वाला, तू अपनी पसंद का लड़का देख ले।
देखा ना, छींक रही हो। अच्छी। देख लेना, जब भी दोबारा छींकोगी मुझे याद करोगी। क्या हुआ, किसी राजकुमार को सपने में देखा? नहीं, सच में देखा। क्या, सच में देखा है? कहाँ पर? ट्रेन में। ट्रेन में? कौन है वो, क्या नाम है उसका? वो तो नहीं पता, लेकिन वो था बिल्कुल राजकुमार जैसा। क्या हुआ भाई? वो लड़की ना इसी शहर में है। hey, तुझे दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हो रहा? तू थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? तू बोल। उसका बाप एक नंबर का याश है, हमेशा दारू पीता रहता है और ताश खेलता रहता है भाई। जब देखो क्लब में बैठा पूरे पैसे फूंकता रहता है। मैं तो कहता हूँ उस लड़की को पटाना बहुत आसान है। चाचा जी, जिंदगी में पहली बार शादी करने की इच्छा हुई है। अरे दीदी बस भी करो, सारी सब्जियां तुम ही ले लोगी तो शहर वालों के लिए कुछ नहीं बचेगा। अरे तो चुप करना, प्यास सस्ते हैं। कुछ फल भी खरीद लो ना। हाँ हाँ ले लो, फल भी बहुत जरूरी है। चुप कर, फल इतने जरूरी क्यों हैं? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। तुम भिंडी खाओ, भिंडी खाओगे तो दिमाग चलेगा। आपकी नौकरी लग जाए उसके लिए कोई सब्जी है क्या? तुम्हारे जैसे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाने लगे। दीदी चलो। हाँ चल रही हूँ। अरे रे रे, गाजर की दुकान पर 500 रुपए दिए और छुट्टी लेने ही भूल गई। तुम अगर जाओगी तो घर जाते जाते शाम हो जाएगी। मैं जाकर ले आती हूँ। तुम मत जाओ, ये लो पकड़ो, मैं लेकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ। आ जाओ। वो यही है। ओ, ट्रेन वाली अप्सरा। आप यहाँ पर? शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। आप भी इसी शहर में रहते हैं क्या? नहीं, नासिक से हो। यहाँ पर मैं सब्जी खरीदने आया था। ए। मेरा नाम अर्जुन है, 6 फीट, पॉलिटेक्निक कर रहा हूँ और मैं दिल का बहुत साफ हूँ। अब जल्दी से आप भी अपने बारे में बता दीजिए। इतनी भी जल्दी क्या है? उस दिन की तरह मिस हो गई तो कहाँ ढूंढूंगा? अरे बाप रे, सॉरी, उस दिन पिताजी ट्रेन में ही थे। ओ, तो जानबूझकर ढूंढने के लिए बोला था? अरे ऐसा नहीं है, मुझे पता नहीं था। ठीक है, जाने दो, चलो मेरे साथ। कहाँ पर? मेरे दोस्तों से तुम्हें मिलवाना है। क्या बोलोगे? मेरी गर्लफ्रेंड है बोलूंगा। क्या? मतलब की पहचान वाली है बोलूंगा। दोस्त कहते हैं कि ऐश्वर्या राय से सुंदर कोई है ही नहीं, उन्हें दिखाना है कि ऐश्वर्या राय से भी सुंदर लड़की है। इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो? वैसी बात नहीं है, मैं पहले से ही आपको इम्प्रेस कर चुका हूँ। सुनो, आपको बारिश अच्छी लगती है ना? नहीं, बारिश को मैं अच्छी लगती हूँ। बारिश और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। सही कहा, ट्रेन में उस दिन हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी बारिश हुई थी, आज यहाँ मिले तो यहाँ भी बारिश हो गई। तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा बेस्ट फ्रेंड बारिश हमें मिलाने की कोशिश कर रहा है, हमारे दोनों के बीच में जरूर कुछ ना कुछ है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं लगता तो तुम्हें पता करना चाहिए ना, अगर ऐसा नहीं होता तो बारिश नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है, बारिश का मौसम है तो बारिश हो रही है, बस और कुछ नहीं है। हेलो 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 हेलो, रुको, सॉरी, मेरे साथ आइए, एक मस्त जगह दिखाता हूँ, बारिश के मौसम में वो जगह जरूर देखनी चाहिए। ऐसी कौन सी जगह है? पास में ही है नंदी का मंदिर। ऐसा वैसा नहीं, बहुत अलग सा मंदिर है। इस तरफ एक मंदिर है और दूसरी तरफ एक मंदिर है और बीच में बड़ा सा नंदी, और दोनों मंदिरों के बीच में जो इंद्रधनुष निकलता है ना, क्या बताऊं मैं आपको, बहुत बढ़िया है, देखने लायक है। चलो। इतनी बारिश में? अब बारिश में ही इंद्रधनुष आएगा ना, मेरी बात मानो, प्लीज मेरे साथ चलो। चलो। अरे बारिश बंद हो गई, मैं चलती हूँ। सुनो, अपना एड्रेस तो बताते जाओ। वो मैं आपको क्यों बताऊं? अगर हमें दोबारा मिलना हो तो? बारिश का इंतजार करो। ये क्या बोल रही हो? आपने ही तो कहा ना कि बारिश हमें बार बार मिला रही है,
अगर अगली बारिश में हम दोनों फिर से मिले तब मैं समझूंगी कि आप सही हैं। हमारे बीच जरूर कुछ है। चलती हूँ। ए, अब लड़के का नाम पता चला क्या? 6 फीट लंबा, दिखने में हैंडसम है, जवान भी है। नाम का क्या करना? कार्ड पर लिखवाना है। अर्जुन, क्या माँ अभी कैसी बातें कर रही हैं? कैसी बात? मैं अपने नातिन से बात कर रही हूँ, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अरे सुन, तू उससे दोबारा मिलेगी ना? उसकी चिंता आप मत कीजिए नानी, हमें मिलाने का काम मेरी फ्रेंड बारिश पर छोड़ दीजिए, वही हम दोनों को फिर से मिलाएगी। कहाँ से मिलाऊं? हार्ट की रानी, डायमंड का राजा, स्पेड का जैकी, हार्ट का 10। एक जोकर होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन जोकर तो मैं बन गया ना। ये लो मेरे 24। मेरे 45। मेरा 12। ए, दूसरा पत्ता कहाँ है? घर पर है। मजाक करता है, चल चल पत्ते रख। ए, यहाँ बेमानी की ना तो तेरे गर्दन पर जो गमछा लटक रहा है ना उसी से तुझे लटका दूंगा। ठीक है, पत्ते बांटो, अगले की मैं बराबर कर दूंगा। पहले हमें पैसे चाहिए। बैंक होकर आता हूं। बैंक में डकैती डालेगा, बिना पैसे दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्या रे, मुझे डरा रहा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं, ले चेक कर ले, देख क्या हुआ, मारेगा? ले मार, मार ना, मार मार। ले खेल। तुम्हारी तारीफ। देवा भाई का आदमी है। देवा का आदमी मुझे पैसे क्यों दे रहा है? कुछ तो चक्कर है। नहीं रहने दो, खेलना। आप नहीं खेलोगे? लग साथ नहीं देता। वो तो मेरा भी नहीं देता, लेकिन खेले बिना कैसे रह सकता हूँ मैं। दीजिए, अभी जीत कर देता हूँ। वो बाद में देखेंगे, खेलने के बाद पास के बार में पहुँच जाना। ठीक है, बांटो रे। ये बारिश कब होगी यार? देख, बारिश कब होगी मोर ही बता सकता है, लेकिन तू मेरा दोस्त है इसलिए कोशिश करता हूँ, देख के बताता हूँ। मजाक मत कर, जल्दी बता। अरे बारिश कब होगी कोई नहीं बता सकता। मैं बता सकता हूँ। अच्छा? शाम 7 बजे टीवी पर क्या आता है? सीरियल। उसके बाद गाने आते हैं। उसके बाद न्यूज आती है। उसके खत्म होने के बाद मेरा सिर आता है। अरे पहले क्यों बुझा रहा है, चुपचाप सीधी तरह बताना। मौसम समाचार भी तो आते हैं। हाँ तो वो कौन बताता है? वो तो सुखलाल बताएगा। सर छोटी सी प्रॉब्लम है, मौसम विभाग से कोई जानकारी नहीं मिली है सर, अब क्या करेंगे? लगता है तुम यहाँ नए आए हो, मेरे बारे में नहीं जानते। सब कुछ हमारे हाथ में है। दोनों में से एक उंगली टच करो, बीच की उंगली, बारिश नहीं होगी। जाओ। सर फोन में फैन है। फोन में कैमरा होता है, अब फोन में फैन भी हो गए। यहाँ पर सुखलाल है, वहाँ पर कौन है? दुखी लाल। सुनो, मौसम समाचार बताने वाले हो ना तुम? हाँ मैं ही हूँ, काम बताओ। हमारे शहर में बारिश कब होगी? अभी बारिश नहीं होने वाली। बिना शहर का नाम जाने कैसे बता सकते हो? शहर कोई भी हो उससे क्या, बीच की उंगली पकड़ी है, बारिश नहीं होगी। ये क्या बोल रहे हो? ये तेरी समझ में नहीं आने वाला, अगले 36 घंटे तक धूप खिली रहेगी। लेकिन 36 घंटे के बाद तो बारिश होगी ना। एक मिनट रुको। ए इधर आओ, दोनों में से एक उंगली छुओ। हाँ होगी। ये तुमने कैसे बताया? छोटी उंगली पकड़ोगे तो होगी ही। उंगली पकड़ के बता रहे हो क्या? बारिश की जानकारी तुम ऐसे देते हो? मैं इतने सालों से मौसम की जानकारी दे रहा हूँ, आज तक मेरी जानकारी गलत नहीं हुई। भरोसा रखो, अगले 36 घंटे में बारिश जरूर होगी। भाई अगले 36 घंटे में। अरे रे क्या बात है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये घर थोड़ी है, महल लग रहा है ये तो। क्या हुआ? कुत्तों से डर लगता है। अरे कुत्तों से क्या डरना, क्या करूं, बचपन से ऐसा हूँ। यहाँ तो नोटों का ढेर लगा हुआ है। भाई आ रहे हैं। भाई ये सुंदर मूर्ति है, मेरा खास दोस्त आपसे कुछ मदद चाहता है भाई। डरो मत, पहली मुलाकात में ही तुमसे खून का रिश्ता बन गया है, ये तो अच्छी बात है ना। मेरा नाम सुंदर मूर्ति है, बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो भी बिजनेस करता हूँ ना वो घाटे में चला जाता है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, पैसे की बात कर। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ उधार चाहिए। चाचा जी। मैं जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई विलन मिल ही जाता है। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, ये बात सिर्फ सुनी थी, आज देख भी लिया मैंने। आपके पैर अगर मेरे घर पे पड़े तो उद्धार हो जाएगा। आप मेरे घर पे भोजन करने आएंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। ए,
देवा तुम्हारे घर पर खाना खाने आएगा। बेकार की बात मत कर, दूरों की बात कर। रुकिए, प्यार से बुला रहा है, मैं जरूर आऊंगा। सुखलाल बोल रहा हूँ। बारिश कहाँ है? बारिश का स्टॉक नहीं है। क्या कहा तुमने? बारिश का स्टॉक नहीं है, दिमाग खराब है? कितनी इज्जत से बात कर रहे हैं, आपकी तारीफ। तुम्हारा दुखी लाल। ओ दुखी लाल, अरे सुखी लाल के पास दुखी लाल का कोई काम नहीं होता। ए, मूड की ऐसी की तैसी मत कर, 36 घंटे में बारिश आनी थी, अभी तक आई नहीं है। बारिश तो आनी थी, लेकिन साइक्लोन स्लिप होकर गोवा से बंगलोर और बंगलोर से स्लिप होकर श्रीलंका पहुंच गया। फिर उसके साथ तुम भी स्लिप हो गए होते क्या? देखे तुमने क्या कहा था? तुम्हारी भविष्यवाणी आज तक गलत नहीं हुई है। तुमने क्या लोगों को बेवकूफ बनाने का सरकारी ठेका ले रखा है? अब जो मैं बोलता हूँ उसे ध्यान से सुन, ये मेरी भविष्यवाणी, अगर बारिश नहीं हुई तो तेरे हाथ काट के फेंक दूंगा, समझा? वरुण देव जी, पहले जब बारिश नहीं होती थी तो लोग आपको सुनाते थे, अब मौसम की खबर देने वाले को भी सुना रहे हैं। वो मेरा हाथ काट दे उससे पहले आप बारिश करवा दीजिए प्रभु। हे, सच में बारिश आ गई। अरे उसकी बात सच हो गई, देखो बारिश आ गई। बारिश, उसने तो बारिश से मिलने के लिए बोला था, अब बताओ कहाँ मिल जाएगी। उसने तुमसे मिलने के लिए कहा था? अरे मुझसे बोले या तुमसे बोले, बात तो एक ही है ना। ये बात एक नहीं है, अलग अलग है। बारिश आ गई नानी, मैंने कहा था ना मेरी फ्रेंड मुझे धोखा नहीं देगी। अरे वो तो सही है, बारिश आने पर मिलने को बोला था, लेकिन कहाँ मिला है ये तो बताया नहीं। कहाँ जाकर मिलोगी? नानी आप नहीं समझेंगी, मैं समझ गई हूँ ना, इतना काफी है। बाय बाय नानी। आप कौन है? अरे मेहमान से ऐसा नहीं पूछते। आई आई अंदर आई ना, चल ना अंदर चल। मेरा बहुत छोटा सा घर है, आप आए तो भाग खुल गए मेरे। ए, क्या करिए, अंदर आना, बारिश में क्या रखा है, चल। इनका नाम देवा है और सब इन्हें देवा भाई बुलाते हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इनका बहुत नाम है, बहुत चलती है इनकी। ये मेरी बेटी शैलजा। नमस्ते करना, नमस्ते कर। बेटी जरा जाके चाय ले आना। मेरी बेटी के हाथों की बनी चाय पीजिए, अमृत समान है। ये बुढ़िया कहां से आ गई? ये तो टेंशन क्रिएट हो रही है, इसको देख के मुझे भी टेंशन लग रही, कुछ करना पड़ेगा। अरे ये 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 मेरी सासू माँ है, लेकिन एकदम माँ समान है। ऐसी इज्जत देते हो इन्हें, बुढ़ापे में इनसे चाय दिलवा रहे हो? तुम्हारी बेटी भी ला सकती बेटी थी। मंदिर गई है, बाद में भी तो जा सकती थी ना। वो चला जाएगा। कौन चला जाएगा? पुजारी, एक घंटे में मंदिर का पुजारी चला जाएगा। बात यह है कि वो काफी पूजा पाठ करती है। दूसरी तरफ दूसरा, उसके बीच में नंदी, दोनों मंदिर के बीच में इंद्रधनुष भी है, बस सिर्फ वो नहीं है। यहाँ बरस कर वहाँ नहीं बरसे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि आना है? प्लीज प्लीज प्लीज, तुम मेरे दोस्त हो ना, मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज। ये तो यहीं पर है। अब तो यकीन हो गया ना कि बारिश हमें मिलाना चाहती है? मुझे तो यकीन है, पर लगता है आप ही को नहीं है। क्या इतनी पास आकर भी
मुझसे इतनी दूर खड़े हो। शैलो, इस बारिश में मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी। तुम्हारी रिंग को मैं हमेशा पास रखूंगा। तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा, जब भी बारिश आएगी तुम्हें इसी तरह मुझे गले लगाना होगा। तेरी अंगूठी कहाँ गई? गुम हो गई पिताजी। गुम कर दी? सोने की अंगूठी थी, ऐसे बोल रही जैसे कुछ नहीं हुआ। अरे अनजाने में गुम हो गई। मेरी बेटी के 10 तोले सोने को जुए में बेच खाया, अब आधे तोले सोने के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो? नानी, थैंक्स। कट कट कट। देखो ऐसे स्टेप करो। 1 2 ए डायरेक्टर, कहाँ से पकड़ कर लाए उसे? ना डांस आता है, ना बोल पा रही है, ना चल पाती है, ना खड़ा होना आता है, ना बैठना आता है। अब इसका क्या करेंगे? मुझे क्या पता सर, थिएटर कलाकार है बोली थी। कौन सा थिएटर है अब पता चला। कैमरामैन सर, आपके पीछे एक लड़की खड़ी है, जरा उस पे फोकस कीजिए, जूम करिए। आहा, सर 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 सर, ये लड़की देखिए सर, अगर ये आ जाए तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी। हाँ हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है सर। इस लड़की को कैसे भी करके लेकर आए। प्रोड्यूसर बनने के बाद यही काम रह गया था। अरे अश्वेल भाई, उस लड़की की एक फोटो ले लो। सर सोचने का काम नहीं है। सुंदर मूर्ति जी, किस्मत का दरवाजा एक ही बार खुलता है, किस्मत आपके पास चलकर आई है। अब सिमरन हीरोइन बनी थी तो उनकी माँ जी बेंस कार में घूमती है। मनीषा हीरोइन बनी थी, उनकी माँ भी बेंस कार में घूमती है। उनकी माँ भी बेंस कार में घूम रही है। सबकी माँ घूम रही है, बाप कार में नहीं घूम रहे हैं क्या? वो भी घूमेंगे। हाँ मूर्ति जी, आप भी करके देखो। हाँ, सच्ची? मेरा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी टॉप की हीरोइन बनेगी। हाँ। बेंस कार होगी, घर बंगला बैंक बैलेंस नौकर चाकर पैसा ही पैसा होगा करोड़ों में। ऐसा होगा मेरे पास। सिगरेट लीजिए। 555 नहीं है क्या? डायरेक्टर साहब मान गए तो। रेडी। ये जो मुंह लटका के बैठा ना, इसका किस्सा सुनाता हूँ। देखो पहले ही मुंह लटका के बैठ गया। एक बार एक लड़की को ये बस में भगाकर ले जा रहा था अपने साथ, और बस में जाते जाते इन दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन एक दूसरे को ज्यादा प्यार करता है। इसने बोला कि मैं तेरे खातिर अपने माँ बाप को छोड़ के आया हूँ, उसने बोला कि मैं तेरे खातिर अपने पति को छोड़ के आई हूँ। कंडक्टर का दिमाग घूम गया इनकी बातों को सुन के, और उसने अपनी जान दे दी बस से कूद के। जब कोई अपना याद करता है तब ऐसा होता है। जब कोई अपना याद करता है तो फिर ऐसा ही होता है। आपको याद करने वाला चाहे नजदीक हो या फिर दूर हो, याद तो करता है। याद करने वाला सिर्फ याद ही करता है क्या? अरे वो देखो सुंदर मूर्ति। पिताजी कहाँ पर? ये तुम्हारे पिताजी हैं। अरे पहले बोला चाहिए था ना, सब लोग इसको छुपा। अरे सलीम, वो ऑटो आ रहा है उसमें बैठा के भेज दे। अरे इसका बाप तो इधर ही आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा। मैं जाती हूँ। अरे भाई रुक 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 जाओ। आइए सर। हेलो, आप सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? अड्डा बदल दिया है क्या? अड्डा नहीं बदल दिया है, हम तो तुम्हारे लिए आए थे कि यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ ताश खेलेंगे। मजाक उड़ा रहे हो, मैं ताश खेलने नहीं आया हूँ, मैं घर पर जा रहा था। ये तो गाड़ी खराब हो गई, मुझे अपनी बेटी से बहुत जरूरी बात करनी है आज। तो थोड़ी देर पहले ही आ जाते ना। क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आते तो बैठ गए कि कब चाय पी लेते। अरे सलीम, तुझे अनारकली मिली क्या? आपके आशीर्वाद से मिल गई।
तब तो रोज गार्डन और मूवीज दोनों साथ साथ देखने जाते होंगे ना। आज भी घूम ही रहा था लेकिन अचानक एक काला सांड बीच में आ गया। अच्छा तो शादी कब है? आपके ही हाँ का इंतजार। क्या? लड़की के पिताजी कहेंगे तभी शादी होगी ना। अरे जब लड़की राजी है तो दिक्कत क्या है, उसे लेके भाग जाओ। आप तो बहुत महान है। अरे सलीम ये मेरी गाड़ी खराब हो गई। देखो ससुर साहब की गाड़ी खराब हो गई है, ध्यान से स्टार्ट करना है। हम सब तेरे साथ हैं। तो मेरी बेटी की अंगूठी गुम नहीं हुई थी, वो जानबूझकर खोकर आई है। मेरी बेटी के पास भी ठीक इस तरह की अंगूठी थी, वो गुम हो गई। ये तो लेडीज अंगूठी है, जेंट्स पे अच्छी नहीं लगती। ला उतार के देना। मोहब्बत का मामला। सलीम ध्यान रखना, अनारकली के पिता को पता चल जाएगा तो कहीं हाथ पैर ना तोड़ दे। उससे पहले उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। इस सलीम की अनारकली मेरी बेटी है, अब उसे फिल्म में काम करने के लिए कैसे मनाऊं, वो नहीं मानने वाली है। पर मैं भी उसका बाप हूँ। कहाँ गए सबके सब? सुनो इधर आओ, सब बाहर निकलो। मैं जुआरी और नशेबाज हूँ ना, मैंने सबसे उधार ले रखा है, सब मेरी जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं चैन से कहीं नहीं रह सकता हूँ। ये सब अब मुझसे और सहन नहीं होता, मैं मरने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम लोग चैन से रहना, भगवान मैं आ रहा हूँ। मैं तो जिंदा हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं तो अभी तक मरा नहीं हूँ। अरे दामा जी ये क्या कर रहे हो? तुमने आज तो बचा लिया है पर बाद में नहीं बचा पाओगे, मैं मर जाऊंगा। हाँ मेरे दुखों में कोई साथ नहीं देता है, तो मैं जीकर क्या करूंगा? नहीं अब मैं कभी यहाँ नहीं आऊंगा, कोई मेरी बात नहीं मानता यहाँ पर, कोई नहीं मानता मेरी बात। मैं मानूंगी पिताजी, मैं मानूंगी, मैं आपकी बात मानूंगी। मेरी बात मानेगी? मानूंगी। तो फिर मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा। देखा तू नहीं मानेगी, मैं जा रहा हूँ। मैं कसम खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ। फिल्मों में एक्टिंग करेगी ना, हीरोइन का काम करेगी ना, बोल करेगी ना। नो 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 नो, हाँ थोड़ा और ऊपर, टिल्टअप टिल्टअप, स्लाइटली स्माइल टिल्टअप। ए पोज दे रही है ना, जल्दी खींच। सर 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 सॉरी सर, सेट पे सिगरेट अलाउ नहीं है सर। हीरोइन का फादर हूं रे, किसी को भी अलाउ नहीं है सर। सर प्लीज सर मत पीजिए सर। सलीम तेरा यहाँ कैसे आना हुआ? अनारकली को लेने आया हूँ। तो तुझे मैं अनारकली दिखता हूँ क्या? ए, नाटक बनकर सीधी बात करते हैं, तेरी बेटी की शादी मुझसे करा दे, रानी बना के रखूंगा उसे। तू खुद बिना नौकरी के पेट्रोल पंप पे आवारागर्दी करता फिरता है, तू मेरी बेटी को रानी की तरह कैसे रखेगा रे? सुन ले, मेरी बेटी अब फिल्म स्टार है, हीरोइन है, उसके पैरों की धूल तक नहीं छूने दूंगा तुझे। क्या कहा तूने? उसके पैरों की धूल तक नहीं छूने दूंगा तुझे, ये कहा मैंने, सुन ले। Only hip. Delito. ये कौन से हीरो की एंट्री हो गई है? इसके पैर की धूल भी नहीं छूने देगा ना मुझे, मेरी और शैलजा की शादी होकर ही रहेगी। और अगर तूने इसे थोड़ा भी टॉर्चर करने की कोशिश भी की, काट डालूंगा, समझा? अरे किस्मत किस्मत किस्मत, फूटी किस्मत, मैं तो बर्बाद हो गया। किसी को मुंह दिखाने लग नहीं रहा मैं समाज में, तूने जरा भी नहीं सोचा। अपने बाप के सामने उसको किस कर रही थी?
तूने माँ की कसम खाई थी, उसका क्या हुआ? वो कसम मैंने फिल्मों में काम करने के लिए खाई थी, अर्जुन को भूलने के लिए नहीं। ये ऐसे नहीं मारेंगी, बिल्कुल नहीं मारेंगी, मैं खुद को जला के राख कर दूंगा। ए, टमाटा। हैं? वारे, मैंने बोला और तूने तवा हटा भी दिया। मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ जी? चलो दामाद जी को अकेले रहने दो, वो कुछ करना चाहते हैं। चलो, आज तक कुछ अच्छा नहीं किया तो अब क्या करेगा? अरे मेरे मरने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को फर्क अच्छा? नहीं पड़ेगा। ये तो कह रहा मैं, भगवान एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा खोल देता है। आने को बोलिए, आ जाओ। अरे देवा भाई, सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं, मुझे बचा लीजिए, मैं आपको भगवान की तरह मानता हूँ, मुझे बचा लीजिए भाई, मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, फूल की तरह दिखती है वो, फूल की तरह। देवा भी तेरी बेटी को फूल की तरह देखता है, तू शादी के लिए हाँ कर दे, ये तुझे 10 लाख रुपए देंगे और उससे तू अपने उधार चुका लेना। मेरी बेटी हीरोइन बनके करोड़ों कमा सकती है और ये 10 लाख देके मुझे टरकाने की सोच रहा है, इसका इस्तेमाल करके मैं अर्जुन को मरवा देता हूँ, इसे तुम्हें बाद में देख लूंगा। क्या सोच रहा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रहा, मैं तो पूछ रहा था कि ये 10 लाख है कहाँ पर। ये ऊपर वाले, ये कैसी परीक्षा है, पैसे तो ले लिए मैंने पर बेटी नहीं मानी तो क्या होगा, मुझे पैसे नहीं चाहिए भाई, मैं ये पैसे नहीं रख सकता, ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी को पहले से एक लड़का प्यार करता है। कौन है वो? नाम है अर्जुन। क्या चाहिए? मुझे ये खिलौना चाहिए। नहीं मिलेगा, जब भी खिलौना दिलाता हो तोड़ देते हो। अब नहीं तोड़ूंगा, प्लीज मामा दिला दो ना। मैं नहीं दिलाऊंगा, सच में नहीं तोड़ूंगा मामा, प्रॉमिस प्लीज। ये कितने का है? 10 रुपए का सर। ये लो। तू ही अर्जुन है? हाँ मैं हूँ। गाड़ी में बैठ, तुझे भाई ने बुलाया है। कौन भाई है? यहाँ सिर्फ एक ही भाई है, देवा भाई। देवा भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं? सारी कहानी यही जाने का क्या? गाड़ी में बैठ। बच्चे को घर पे छोड़ के आता हूँ। ये ऐसा नहीं मानेगा, बच्चे को गाड़ी में डाल। रुक, क्या कर रहा है? हाथ छोड़ मेरा। इतना गुस्सा क्यों कर रहा है रे? सॉरी सॉरी, मैं वहां जरूर आऊंगा लेकिन बच्चे को हाथ मत लगाना, मैं बोल दे रहा हूँ। अरे रुक जा रुक जा रुक जा, जा, जा। बच्चे को कुछ मत करना। बच्चा चाहिए? बच्चा मत ले लो। हाँ आजा। ये ले। सूर्या, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? सूर्या, तुम भी तो हो ना? प्लीज प्लीज। देखो, 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 कुछ मत करो। बच्चा मुझे दे दो। हाँ। है? देखो, देखो। सूर्या, सूर्या कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। देखो, मैं आपको बता दे रहा हूँ, बच्चा मुझे दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। आजा आजा आजा, हमें पकड़ के दिखा, आजा भागो, आजा पकड़ पकड़ पकड़। ए, आ, आ, पकड़ हमको, आजा पकड़। Hey!
बच्चा दे दो, ए! ले बच्चा, ए, देखना मत उसे, सूर्या, 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 क्या मत क्या पकड़ा इसने तो, क्रिकेट खेलता है क्या? जरा हमें पकड़ कर दिखा, आजा, आ पकड़, हिम्मत है तो आना, आजा, पाँव पड़ता हूँ तुम्हारे भाई, मारना मत मामा, 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 मैंने इसे टूटने नहीं दिया मामा। मेरी आंखों से दूर हो जाओ या भाई, आज के बाद मेरे सामने आया तो जान ले लूंगा। जा जा चाचा जी, मुझे उससे मिलना है। तू अभी कहीं नहीं जाएगा, सुना ना, हम लोग है ना, हम लोग जाएंगे देवा से मिलने और उस देवा से पूछेंगे कि आखिर बात क्या है, बता। उसकी जरूरत नहीं, वो लोग यहाँ आ गए। तुम ही बात कर लो ना, मैं इससे भला क्या बात करूंगा पागल। वो जो वहां बैठा है ना, वही अर्जुन है, मैं बात करके आता हूं। देवा ने तुम्हें आने के लिए कहा था पर तुम नहीं आए, इसीलिए वो खुद आया है। चलो देवा भाई, आपके आदमियों को मैंने ही मारा था, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना ही कहा था कि मैं बच्चे को घर पे छोड़ के देवा भाई से मिलने जाता हूँ। उन्होंने बच्चे पे हाथ उठाया और इसीलिए मैंने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। चाचा जी देखो बेटा, ये जो कह रहा है वो मान लो, उस लड़की को भूल जाओ। कौन सी लड़की? ए, क्या नाम है उसका? शैलजा। हाँ, शैलजा। शैलजा को, शैलजा को क्यों भूल जाओ? देवा उससे प्यार करता है इसलिए। ओ, देवा शैलू से प्यार करता है, पर क्या शैलू भी देवा से प्यार करती है? ए, देवा उससे प्यार करता है यही काफी है, शैलजा इससे प्यार करे ये जरूरी नहीं। हाँ, है जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनो, देवा शैलू से प्यार करता है, मैं भी शैलू से प्यार करता हूँ, मगर शैलू मुझसे प्यार करती है। देखो इज्जत से बोल रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ, शैलू मेरा प्यार है। शैलू सिर्फ मेरी है। Thank you.
देवा, रहने दो। शैलू के लिए मैं 100 बार जान दे सकता हूँ, क्या तू दे सकता है? तैयार है? तैयार है क्या? तैयार है क्या? टोटल कैश कितना था? ए, तू भी साथ में हिसाब लगा रहा है? आपकी मदद कर रहा था। तू मदद मत कर, तू यहाँ से बाहर जा और देख कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, मेरी मदद करेगा। 104,000। कितने हैं? 104,000। ये क्या, उसके जाने के बाद भी आवाज आ रही है? ए, तुम अभी गए नहीं क्या? अभी तो आए हैं, इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। लगता है कोई और है, आवाज भी अलग लग रही है। ए, कौन हो तुम? सामने आओ। कैसे हो जीजा जी? जीजा जी, कौन हो तुम भाई? चोरों की तरह क्यों आ रहे हो? नहीं समझा तुमने? मैं समझा नहीं, तुम यहाँ सच में चोरी करने आए हो? पता चल गया ना, वो बंद करो। महाराज पेट्रोल पंप यही है ना? हाँ यही है। तू ही विवेक है ना? नहीं हूँ। तू ही यहाँ का मालिक है? मालिक जैसा हूँ। इतना ही काफी है? कितना कैश बोला था? 1,00,000 बोला था ना? 4,000। पेमेंट खींच लो क्विक। ये कौन है? अरे मैंने सोचा तुम अकेले हो, लेकिन यहाँ तो कई सारे लोग हैं। अरे मेरा पैसा। नहीं, मेरा पैसा। अरे मेरा पैसा, क्या कर रहे हो लोग? छोड़ दो, जाने के बाद चिल्लाना नहीं। अगर चिल्लाया तो जो गर्दन है ना अभी दिख रही है, फिर कभी नहीं दिखेगी, समझ गया ना? होशियार। अरे जाते जाते इतना तो बता के जाओ कि कहाँ से आए हो। पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हैं? यहाँ से पंजाब तक सुरंग में जा रहे हैं? मेरा पैसा पंजाब जा रहा है? ये चोरी नहीं डकैती है। घर में पहले से ही इतनी परेशानी है और ये भाई साहब जाकर लड़कर आ रहे हैं। पता नहीं कोई काम धंधा क्यों नहीं करता। अब इसने कौन सी बड़ी गलती कर दी जो तुम गुस्सा हो रही हो? इतनी बड़ी बात हो गई है, बिना को जाने आप हमेशा उसका सपोर्ट करते रहते हैं। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप इसे समझाएं। ठीक है, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ। क्यों भाई, वो गुंडा जिस लड़की से प्यार करता है तुम उसके बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं नहीं, शैलजा और मेरे बीच में वो आया है। देखा आपने, ऐसी ही बातें करता है ये। ये तुम सही नहीं कर रहे हो, तुम अब मेरे साथ नासिक चलोगे। मैं उसके डर से यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। जाना है तो वो गुंडा चला जाए, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब तू यहाँ रहकर गुंडों से लड़ाई करके गुंडा बनेगा? क्या गुंडा गुंडा लगा के रखा है आपने? अपने शहर में हर कोई गुंडा होता है, अगर मैं गुंडा बन गया तो वो नहीं बचेगा। hey, रहने दो। क्यों देवा, क्यों कर रहे हो ये सब? भाई आप बोल कर देखो, जान से मार देंगे उसको हम। नहीं, तुम लोग उसे क्या मारोगे, वो खुद उसके लिए मरने को तैयार है, वो भी 100 बार। अब उसे मारो तो वो शैलजा की नजर में हीरो बन जाएगा, और मैं उसे हीरो बनने नहीं दूंगा। उसे हीरो बनने नहीं दूंगा, उसे हीरो बनने नहीं दूंगा, उसे हीरो बनने नहीं दूंगा। गजाननम भूतगणादि सेवितम कवित्त जंबु फलचार भक्षणम। आती लो बेटा। तुम सोच रही हो कि तुम्हारे पापा बदल गए हैं? हाँ मैं बदल गया हूँ बेटा, मैंने आज तक कभी भगवान की पूजा नहीं की, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारे लिए की है, अपनी बेटी के लिए। मेरी बात सुन। देख बेटा,
मैं एक बेकार आदमी हूँ, इसमें कोई शक नहीं। अपनी पत्नी के लिए मैं एक बेकार पति भी साबित हुआ, लेकिन अपने बेटे के लिए खराब पिता नहीं हूं मैं। देख बेटा, मुझे अर्जुन पर कोई गुस्सा नहीं आ रहा, मुझे तो सिर्फ तेरी चिंता है। तेरी माँ की तरह बिना नौकरी वाला पति मिलेगा तो तेरी जिंदगी कष्ट में बीतेगी ना। ले चरणामृत ले। अब सुन ना, अगर अर्जुन से तेरी शादी हो भी जाती है तो ये बता कि तुम दोनों अपना खर्चा चलाओगे कैसे? मकान का किराया, दूध का बिल, बिजली का बिल, राशन, दाल चावल मसाले, केबल का बिल, इनके लिए पैसों की जरूरत होती है। प्यार से नहीं चलता मामला। हाँ, अगर मेरी तरह होता तो किसी के भी हाथ पैर जोड़ के अपना खर्चा चला सकता था, जो तू देख ही रही है। पर अर्जुन ऐसा नहीं करेगा, वो इज्जतदार आदमी है। वो इज्जत दांव पर रखकर किसी से पैसे नहीं लेगा। तो बात को समझ, घर चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए नौकरी चाहिए। अगर मेरी बात तुझे जरा भी गलत लगी तो बता दे मुझे। वो ट्राई कर रहे हैं पिताजी, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। कोई जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी की बात कर ली मैंने। नासिक में मैनेजर की नौकरी है एक, तू बोलेगी तो चला जाएगा वो। पिताजी, सब तेरी खुशी के लिए बेटा, ताकि तुझे कोई परेशानी ना उठानी पड़े। जा बेटा और जाके अर्जुन से बात कर। ले ये फूल ले जा। हाँ, और ये अर्जुन के लिए है, और उससे कहना ये मैंने दिया है, क्यों बोलेगी ना। पकड़ ना, क्या लगता है वो बात मान जाएगा? पता नहीं। हाँ, तुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे पता है वो नहीं मानेगा। तुम्हारे पिताजी मेरी नौकरी लगवाएंगे। ताज खेलने की नौकरी तो नहीं है ना? नहीं, नासिक में मैनेजर की नौकरी है। मुझे ऐसे कोई नौकरी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नौकरी पिताजी ने ढूंढी है इसीलिए। हाँ हाँ, बिना नौकरी के हमारा खर्चा कैसे चलेगा? ये बात कोई और बोलता तो ठीक था, पर तुम्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। क्या तुम्हें हमारे प्यार पे विश्वास नहीं है? क्या तुम्हें मुझ पे भी विश्वास नहीं है? ऐसा नहीं है, नौकरी के बिना आप फैमिली कैसे चलाएंगे? ठीक है, नौकरी नहीं मिली तो चोरी करूंगा, डाका डालूंगा, चाहे कुछ भी करूंगा। वो बात नहीं है। तुम्हें नौकरी चाहिए ना, तो मैं नौकरी ढूंढता हूँ। अकाउंट तो मैं देख रहा हूँ, तू इसमें क्या देख रहा है भाई? हाँ? चाय की दुकान से ये भाई साहब गाड़ी खींच कर ला रहे थे। हाँ? मैंने पूछा गाड़ी क्यों खींच रहे हो, तो बोलते हैं कि स्टार्ट नहीं हो रही, और बोलते हैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, सीधे यहाँ पर आ गए। अरे भाई, गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो चलेगी कैसे? तो पेट्रोल डाल दोगे तो चल जाएगी क्या? अरे पेट्रोल डालोगे तभी तो स्टार्ट होगी ना। तो डाल दो। डाल दिया भाई। वेरी गुड भाई साहब, 340 रुपए हुए। पहले गाड़ी स्टार्ट करो। गाड़ी भी स्टार्ट कर देता हूँ। पेन रखो जरा यहाँ, एक बार में गाड़ी दौड़ती हुई नजर आएगी। भाई चिंता मत करो, एक चांस और दो, लगता है चौक में खराबी है। ए, ये ढक्कन निकाल के उधर रख। अच्छा भाई, जाओ जाओ जाओ, मैं देखता हूँ पेट्रोल डालने पे गाड़ी कैसे नहीं दौड़ती है। अरे बाप रे, ये क्या है? ए, ये क्या है? ये चने हैं। इंजन कहाँ है? इंजन गायब हो गया। ए, तुम ऐसे चौंक क्यों रहे हो? गाड़ी तुम्हारी ही है ना? किसने कहा ये गाड़ी मेरी है? मैं खुद इसे चुरा कर ले जा रहा था। गाड़ी चोर है तू? अरे जोर से मत बोलो, कहीं गाड़ी का मालिक ना सुन ले। वो सब छोड़ो, मेरे पेट्रोल का पैसा कौन देगा? तुम्हारा नौकर गाड़ी लेकर आया, उससे पूछो। उससे पूछो? अब तो इंजन भी चुराना पड़ेगा। कहाँ गया? ए, कैसा ग्राहक आया था तू? नहीं भाई, इसका टैंक फुल कर दो। इंजन है ना? पुलिस से मजाक करता है तू? सर, ये आपके ससुर जी हैं। हाँ। चेहरे से तो नहीं लगता। हाँ, मेरे पास नौकरी नहीं थी, इसीलिए तुम्हें चिंता थी ना कि शादी के बाद तुम्हारी बेटी को कैसे रखूंगा। नौकरी मिल गई, आजाद ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की सुपरवाइजर। 10,000 रुपए महीने की सैलरी है। वैसे आपके बेटे के लिए इतना काफी होगा ना? क्लब में 3 पत्ती खेलकर 10,000 तो मैं भी कमा लेता हूँ। 10,000 बात करता है। शैलजा आ बेटी। राधा, ओ सासुमा, बाहर आइए, दामाद जी की नौकरी मिल गई और सैलरी है पूरी 10,000। हम भी तो इन्हें नौकरी दिलवा रहे थे पर वो नहीं ली, खुद ही नौकरी का प्रबंध कर लिया। अब तो मुझे सारे काम जल्दी निपटाने पड़ेंगे, पंडित से मिलना है, शादी की तारीख तय करनी, बाकी इंतजाम करने हैं। चला ना। अरे बेटा,
दामाद जी पहली बार घर आ रहे हैं, कुछ मीठा वीठा खिला देना। हाँ अरे रुको 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 रुको, कौन सी मिठाई खिलाओगी? रसगुल्ला। मुझे वो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों, रसगुल्ला पसंद नहीं है आपको? मुझे तो तुम्हारी वाली स्पेशल मिठाई चाहिए। वो मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। नानी चश्मा आपकी आंखों पर लगा है। ओह शैलजा गलत नहीं है, गलत नहीं है। रोमांटिक फिल्म? ए यहाँ लव फिल्म चल रही है। प्यार करने वाली लव फिल्म होती है, किस करने वाली रोमांटिक फिल्म। तू सिर्फ एक्शन फिल्म के ही लायक है। रुक, अरे रुक रुक रुक, तुझे छोड़ गई। ए पाया पकड़ो, अरे पकड़ो उसे। ए ए ए, अरे मैं कुछ नहीं कहूँगा। रुक, पीछे से कहाँ भागेगा? अरे रुक रुक रुक, अरे उसे पकड़ो, पकड़ो पकड़ो। सुबे सर। हे अर्जुन, कौन है? मैं हूँ। साथ में चलो। पर कहाँ? हाँ फिल्म देखने चलो आओ। एक मिनट, लेकिन आप मुझे क्यों ले जा रहे हैं? कारण बताने पर ही चलेगा क्या? दो दिन पहले तू रामेश्वरम गाड़ी लेकर गया था ना? हाँ तो? वहाँ पर तूने आतंकवादियों को बम और हथियार सप्लाई किए थे, इसीलिए। मैंने आतंकवादियों को बम नहीं सप्लाई किया है। मैं वहाँ काम से गया था सर। मैं आजाद ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज अ सुपरवाइजर काम करता हूँ। पता है, तुम्हारा नाम तुम्हारे मालिक ने हमको बताया। मान जाओ, अब कोई रास्ता नहीं। ये क्या कह रहे सर आप? मैं और क्या कर सकता हूँ, पुलिस को मैंने सब बता दिया है। इस उम्र में मैं पुलिस की पिटाई नहीं खा सकता, इसलिए तुम्हारा नाम बता दिया। ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ गाड़ी लेकर गया था। अगर आपको मुझ पे विश्वास नहीं है तो उस गाड़ी के ड्राइवर से पूछ लीजिए। पूछ लिया। आपकी गाड़ी मैं लेकर गया था, ये बात तो सही है, लेकिन गाड़ी में क्या है मैं नहीं जानता था। आपकी ड्राइवरी के चक्कर में तो यहाँ मैं फंस गया। ए, उसकी क्या गलती है? तुमने ही कहा था कि मेरी लवर ने मुझे नीचा दिखा दिया है, उसे दिखाने के लिए मैं कोई भी नौकरी कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें 10,000 मिलेंगे, ऐसा कहा था ना? मैंने तुम्हें काम के बारे में अच्छी तरह बताया था, अब फंस गए हो तो बेकसूर होने का नाटक कर रहे हो। ठीक है सर, आपकी वर्दी का लिहाज कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। चलिए। अब दमाजी ने ऐसी क्या गलती कर दी कि इतना रो रही हो? मेरी बताई हुई नौकरी को ठुकरा कर अपने दम पे एक नौकरी ढूंढी, पर देखो वो भी गलत निकल गई। जरा सोच तो, उसकी इज्जत थोड़ी घट जाती। अब तो बची कुछ इज्जत भी चली गई है, उस केस में जमानत भी नहीं हो सकती। अब देख ले, फूट गए ना करम। तू घबरा मत, दामाद है मेरा, कुछ तो करके मैं बाहर निकालूंगा उसे, चाहे किसी के हाथ पैर ही क्यों ना जोड़ने पड़े। अब अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, आखिर बाप हूँ मैं, पर क्या करूँ मैं। हाँ, मैं जिस क्लब में जाता हूँ वहाँ पे एक मिल ओनर आता है, वो हमारी मदद कर सकता है। वो और होम मिनिस्टर दोनों एक साथ पढ़े हैं, मैं अभी उससे बात करता हूँ। सर मैं सुंदर मूर्ति बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। वो क्या है ना कि मेरे दामाद जो है वो एक छोटे से केस में फंस गए हैं, तो उन्हें बाहर निकालने के लिए आप होम मिनिस्टर से बात कर लेते तो। ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक यू सर, मेरी बेटी को भी बोल दो, उसे शांति मिल जाएगी। बात कराओ। हेलो। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, होम मिनिस्टर मेरा बचपन का दोस्त है, बड़े बड़े केस हम लोगों ने हैंडल किए हैं, कल तक वो छूट जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है।
मेरे पिताजी ने जो नौकरी ढूंढी थी उसका मजाक उड़ाया था आपने, और अब आपने जो नौकरी ढूंढी उसका नतीजा देख लिया। शैलू तुम नहीं समझोगी, देवा और तुम्हारे पिताजी ने हमें अलग करने का प्लान बनाया था। वो नौकरी आपने खुद ढूंढी थी, मेरे पिताजी ने नहीं लगवाई थी। आप बेवजह मेरे पिताजी को बीच में मत लाइए प्लीज। आपको बाहर निकालने के लिए उन्होंने क्या किया है ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो ये सब नहीं करते तो आप जेल में ही रह जाते, इस केस में जमानत नहीं मिलती। ठीक है, मैं मानता हूँ तुम्हारे पिताजी गलत नहीं, लेकिन मैं गलत हूँ ऐसा तुम्हें लगता है। रहने दीजिए अर्जुन, इस बारे में बात नहीं करते। शैलू, तो तुम्हें लगता है कि मैंने ही कोई गलत काम किया होगा? तो फिर पुलिस आपको क्यों ले गई? अगर आप अब तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं, जिससे प्यार करते हैं उस पर विश्वास होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं। तुम्हें मुझ पर जरा सा भी विश्वास नहीं, और जहां विश्वास नहीं होता वहां प्यार नहीं, और जब प्यार ही नहीं रहा तो रिश्ता कैसा। प्यार में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है अर्जुन, उसके लिए शहर छोड़कर जाएगा? ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। उसे मुझ पे भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है तो उसे समझाओ। वो क्या कोई छोटी बच्ची है जो समझाता रहो उसे? ऐसी बातें मत किया कर, उससे एक बार मिलकर उसे समझा दे। देखो दीदी, किसी को सफाई देने के लिए मुझे हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर प्यार होगा तो मेरे पास जरूर आएगी। सुन बेटी, अर्जुन नाराज होकर जा रहा है, तू उनके घर जाकर बात कर, सब ठीक हो जाएगा। देख तूने जो किया है वो गलत है, जरा तो खुद सोच कर देख। अगर सच में उस देवा और तुम्हारे पिताजी ने मिलकर तुम दोनों को अलग करने का प्लान किया हो तो। इतनी मेहनत से तो दोनों को अलग किया था, ये बुढ़िया तो मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर देगी। अर्जुन से जाकर बात कर, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान बेटी, जल्दी जा। बेटी शैलजा, दामाजी दूसरे शहर जा रहे हैं। आपके सिर से खून निकल रहा है। सब छोड़, पहले दामाजी से मिल ले। ये सब छोड़िए, आपको चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो दामाजी ने गुस्से में मुझे। गुस्से में? दामाजी तुझसे गुस्सा होकर शहर छोड़कर जा रहे थे तो मैं रोकने गया। मैं बहुत गिड़गिड़ाया कि आप शहर छोड़कर मत जाइए, पर वो बहुत गुस्से में थे। मैंने तेरी खातिर अपनी उम्र का लिहाज ना करते हुए उनके पैर तक छू लिए थे बेटा, पर वो बोले शैलू के मन में जहर तुमने भरा। बोला पुलिस में उसे मैंने पकड़वाई, ये कह के मुझे लात तक मार दी। मुझे उस लात का अफसोस नहीं है बेटा, बस जरा सी तो चोट लगी है और क्या है, ये तो ठीक हो जाएगी, लेकिन एक अफसोस हमेशा रहेगा, मेरा तो दिल ही टूट गया उससे। तुमने झूठ कहा था ना कि तुम्हारी अंगूठी खो गई है, वो अंगूठी उसके पास थी, उसने मेरे मुंह पे मार दी। कोई किसी की इतनी बेइज्जती भी कर सकता है क्या? इस बारिश में मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी, तुम्हारी दी हुई रिंग मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। देख बेटा, उसका गुस्सा बहुत तेज है, तू कुछ भी करके उसके हाथ पैर जोड़ के उसे मना ले, उसे रोक। नहीं बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। रहने दीजिए, जो इंसान मेरी प्यार की निशानी को फेंक कर चला गया है, मुझे ऐसे आदमी की कोई जरूरत नहीं है पिताजी। और तो और, जाते जाते वो देवा से भी लड़कर गया है, और देवा उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहा है। मैंने जो उसे उधार लिया था ना, वो ब्याज सहित वापस मांग रहा है। पैसे ना देने पर बेटी से शादी करने की जिद कर रहा है। मेरी बेटी राजकुमारी है, अपनी बेटी की शादी उस गुंडे से तो नहीं करूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। आखिर बापू कोई कसाई नहीं। क्या करेंगे? क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ एक रास्ता है, वो प्रोड्यूसर अभी भी पैसे लेके मेरे पीछे पीछे घूमता है। शैलजा अगर हीरोइन बन जाए तो उससे पैसे लेके देवा के मुंह पे मार दूंगा मैं। लेकिन अभी तो मेरी बेटी का दिल टूट गया है, मैं उससे कैसे कहूँ ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। बोलना बेटा। मैं फिल्म्स में काम करूंगी, आप पैसों की फिक्र मत कीजिए। मैं खुद साफ कर। छोड़ रहने देना। हेलो प्रोड्यूसर साहब, सुंदर मूर्ति बोल रहा हूँ, एडवांस कब दे रहे हो? आपकी बेटी काम करने को राजी हो गई? अरे मैंने राजी करवा लिया प्रोड्यूसर साहब। तो फिर मैं आपसे मिलने आ जाता हूँ। अरे आप मत आइए, मैं ही बम्बई आ जाता हूँ। ओके ओके। टाटा अर्जुन, बाय बाय देवा। Thank you.
तो उस दिन क्या हुआ था? उन गुंडों को तो मैंने ऐसा मारा। हे अर्जुन, अर्जुन अर्जुन, इतने दिनों तक कहाँ गया था? तू ठीक तो है ना? देवा, तुमने एक ज्योतिषी को लाने के लिए कहा था ना? इस शहर का कोई भी ज्योतिषी आने से डरता है, इसीलिए बाहर से तुम्हारे लिए एक ज्योतिष लेकर आया हूँ। तुम्हारी शादी के बारे में ये बिल्कुल सच सच बताएंगे, जरा भी झूठ नहीं बोलते हैं ये। अब तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारी सारी समस्या हल कर देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहो। सूर्य मंगल राहु बुध, ये क्या कर रहे हैं ज्योतिषी जी? एक घंटे से बस आप अपनी उंगलियां हिलाते जा रहे हैं, कुछ तो बताइए अब आप। लड़के की शादी का कुछ पता चला? कौन नहीं, मैं सूर्य बड़े ही खराब घर में बैठा है। जो भी कहूंगा मैं सच कहूंगा, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं निकली। ये अत्याचारी और पापी तो हैं, इनके कुंडली में सूर्य खराब घर में बैठा है, उसकी वजह से इनको जान का खतरा है। बिल्कुल सच बोल रहा है। इस समय इनकी शनि की साढ़े साती भी है, इनका विपरीत समय है। इनके पिताजी को इनकी तरफ से जान का खतरा है। खतरा? इसने तो उनका सफाया ही कर दिया है। इनका शनि भी भारी है, शुक्र भी साथ नहीं दे रहा है, गुरु भी अपने हाथों को पीछे खींच रहा है। जो भी काम करोगे ये बात कान खोल कर सुन लो, तुमको उसमें सफलता ही हाथ लगेगी। दूर से आकर तुमको कोई हरा देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और तो और एक लड़की भी तुमको हरा सकती है, समझे? कहीं सच बोलते बोलते ये अपनी जान से हाथ न धो बैठे। सिर्फ मेरी शादी के बारे में पता? हाँ, उसी पर आ रहा हूँ। सातवां घर तो खाली है, बारहवां घर भी खाली है, परिवार का योगी नहीं बन रहा है। तुम कभी शादी कर ही नहीं पाओगे। आखिरी बात, तुम्हारी कुंडली में शादी का योग नहीं है। 100 बात की 1 बात, तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं है। ज्योतिषी जी, टाइम तो आपका सही नहीं है। क्या कर रहे हो? जो मांगोगे वो देंगे, तुमने ऐसा कहा था, सच बोलने की ये सजा दी मुझे, इतना मारा। तुमने सच बोलकर कोई गलती नहीं की, बल्कि तुम्हें यहाँ बुलाकर गलती तो मैंने की। ए अर्जुन, चलो उसके घर पे पेट्रोल से आग लगा देते हैं और शैलजा को उठा लाते हैं। पागल जैसी बात मत करो, वो कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इस शहर का सबसे पावरफुल आदमी है। हम लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। अब सोचने का टाइम नहीं है, मुझे कल ही शैलजा को रामेश्वरम पहुंचाना होगा, इसलिए शैलजा को आज रात ही छुड़ाना होगा। परफेक्ट प्लान बनाना होगा हमें। स्वामी आप ही मेरे प्रियवर हो, मेरे तन मन में बसे हो, भगवान दर्शन दो। स्वामी ये 10 सिर वाला रावण मुझे लेकर आया है, स्वामी मेरी रक्षा करो, मुझे दर्शन दो, इस रावण से मेरी रक्षा। देवा, वो लड़की न तो खाना खाने को तैयार है और न ही पानी पी रही है। अगर उसने तुमसे शादी कर ली तो साथ कैसे रह पाएगी?